ओहो Thank you.
बाकी के नाम एक दो तीन। सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर वंदन। संस्कृति शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस पुस्तक विमोचन एवं साहित्यकार सम्मान समारोह में हमारे सबके सौभाग्य से अपने ज्येष्ठ अधिकारी मुख्य वक्ता के रूप में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहे हैं परम श्रद्धेय कृष्ण गोपाल जी। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी मूलतः मथुरा के निवासी हैं। आगरा विश्वविद्यालय से आपने एमएससी वनस्पति शास्त्र में की, वहीं से पीएचडी की। 1975 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने।
काशी में प्रांत प्रचारक रहे, उसके बाद में एक लंबे समय तक पूर्वोत्तर क्षेत्र, इसके क्षेत्रीय प्रचारक के नाते आपने वहां कार्य किया, और उस दौरान ही हम सब जानते हैं कि अपने सभी विविध संगठन और संग्रह कार्य का विस्तार उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में हुआ। आपका लेखन का, अध्ययन का, विशेष तौर से पर्यावरण इस विषय का गहरा अध्ययन है। भारत की संत परंपरा और सामाजिक समरसता, यह पुस्तक आपके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्र को अवदान, ऐसी पुस्तक भी आपने लिखी, और भी अनेक पुस्तकें लिखी है, सबका उल्लेख करना यहाँ उचित नहीं होगा। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकारीवार डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। हम सब आपको इस कार्यक्रम में पाकर गौरवान्वित हैं। मैं निवेदन करूंगा विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष परम आदरणीय ललित गहर जी गोस्वामी जी से या पधरें, और डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का श्रीफल, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर आपका सम्मान करने की कृपा करते हैं। अपने से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा। आप मूलतः ग्वालियर के निवासी हैं। आप मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त संचालक पद से सेवानिवृत्त होकर उसके बाद में पूरा समय आप विद्या भारती के कार्य में लगा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वहां शासन में अध्यक्ष यह वहां के मुख्यमंत्री रहते हैं, उपाध्यक्ष आदरणीय गोविंद प्रसाद जी रहे हैं। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक मंडल और हिंदी ग्रंथ अकादमी के आप निदेशक भी रहे हैं, और यह शुक्रवार नहीं उससे पहले के शुक्रवार तक आप नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे हैं। हम सबको पता है कि अभी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये जो बनी है उसकी जो क्रियान्वयन समिति है उसके भी आप सदस्य हैं, और हमारे सबके लिए प्रसन्नता हर्ष का विषय है कि आप विद्या भारती के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, और यह जो संस्थान है विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान इसके भी आप लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे शिक्षाविद, साहित्यकार जिनका अध्ययन और लेखन में विशेष रुचि है हमारे मध्य आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे हैं। मैं संस्कृति शिक्षा संस्थान की संस्था के सदस्य हैं अपने आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप बताएं, और आपका श्रीफल, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर आपका सम्मान करें। हमारे बच्चे में मेरे एकदम मान्य और प्रथम स्थान पर विराजमान है
आदरणीय डी रामकृष्ण राव, आप मूलतः विशाखापट्टनम के पास गुडी लोवा के निवासी हैं। वहां का एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित विज्ञान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विज्ञान विहार के आप लंबे समय तक प्राचार्य रहे। अभी विज्ञान विहार के आप निदेशक हैं। आप संघ की दृष्टि से जो दक्षिण मध्य क्षेत्र है उसके माननीय सह क्षेत्र संघचालक भी हैं और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के भी आप माननीय अध्यक्ष हैं। मैं विद्या भारती मध्य क्षेत्र के संस्कृति बोध परियोजना के संयोजक आदरणीय अंबिका दत्त जी कुंडल से निवेदन करूंगा कि आप आगे पधारें और विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय डी रामकृष्ण राव जी का स्वागत करा। धन्यवाद। मंच के एकदम बाहिनी और हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय डॉक्टर ललित बिहारी जी गोस्वामी। आप मूलतः वृंदावन के निवासी हैं। पीजी डीएवी कॉलेज जो दिल्ली में है उसके आप हिंदी साहित्य विषय के प्राध्यापक रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम के अध्यक्षा डॉक्टर टीना जी पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा मंच पर पधारे। बड़ी लंबी दूरी से प्रातः काल 5 बजे से चलकर हमारे मध्य पधारे हैं। यहाँ दूसरे विद्या मंदिर में आप जो गीता विद्यालय के नाम से है वहां जाने के हम थोड़ी सी देरी हुई। मैं परिचय करवा रहा था अपने आदरणीय ललित बिहारी जी का। आप दिल्ली में इस पीजी डीएवी कॉलेज में हिंदी साहित्य के प्राध्यापक रहे। वहां से सेवानिवृत्ति के बाद पूरा समय विद्या भारती के कार्य के लिए आप लगा रहे हैं। आप विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री भी रहे और वर्तमान में विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के आप माननीय अध्यक्ष हैं। मैं हमारे उड़ीसा से आए हुए संस्कृति बोध परियोजना के पूर्व क्षेत्र के संयोजक आदरणीय कैलाश चंद्र जी से निवेदन करूंगा कि अपने विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय ललित बिहारी जी गोस्वामी जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित इस पुस्तक विमोचन एवं साहित्यकार सम्मान समारोह के कार्यक्रम में अध्यक्षा के रूप में हमारे मध्य उपस्थित है डॉक्टर वीना शर्मा। आप हिंदी केंद्रीय संस्थान आगरा के वर्तमान में निदेशक हैं। मूलतः आप शिक्षा शास्त्र की प्राध्यापक हैं। 35 वर्ष से आप इस अध्यापन क्षेत्र में लगे हुए हैं। आपकी भी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 3-4 पुस्तकें भी प्रकाशनाधीन है। आपके अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये
प्रकाशित हुए हैं। आप भारतीय शिक्षण मंडल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी है। मैं आपके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मंत्री हैं आदरणीय मधु श्री सावजी से क्या पधरे और आदरणीय डॉक्टर दीना शर्मा जी का आप स्वागत कर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रा सिंह अतिथियों के साथ में हमारे मध्य सामने विद्या भारती के सभी अखिल भारतीय अधिकारी ये भी उपस्थित हैं। सभी क्षेत्रों के संगठन मंत्री मंत्री ये भी उपस्थित हैं। अखिल भारतीय अधिकारियों में हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय काशीपति जी, सह संगठन मंत्री माननीय यतेंद्र जी, सह संगठन मंत्री माननीय गोविंद महंत जी, मंत्री आदरणीय शिव कुमार जी और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस परिचय कार्यक्रम का जो मुझे आदेश हुआ था इसको यहीं विराम देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। वंदे मातरम। आज इस पुस्तक विमोचन एवं साहित्य का सम्मान समारोह में जिस पुस्तकों का विमोचन किया जाना है उन पुस्तकों का और लेखकों का परिचय कराने के लिए मैं संस्थान के सचिव आदरणीय श्रीमान अवनीश भटनागर जी से नम्र अनुरोध करता हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय अधिकारी बनकर और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ। आज पुस्तकों के विमोचन और साहित्यकारों के सम्मान का समारोह है, उसमें कुछ भी साथी है। मनी कृष्ण गोपाल जी ने सुबह उस पर एक टिप्पणी की थी, जैसे भारत में एक साथ 104 अंतरिक्ष यान छोड़े थे उस प्रकार आज का भी कुछ प्रक्षेपण कर रहे हैं। हालांकि एक दो पुस्तकों का विमोचन होता है और आज सहयोग पुस्तकें हमारे बीच में आ रही गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। लाइव को कर रहा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ। तो पुस्तकों के विमोचन के इस क्रम में सर्वाधिक आनंद का विषय है कि आज के कार्यक्रम की हमारी जो अध्यक्ष हैं उनका परिचय यहाँ किया ही गया। उस परिचय में मैं 2-3 बातें होंगी। वे केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशक हैं, शिक्षा शास्त्रीय प्राध्यापक हैं, परंतु कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ लेखन करता हो, कभी कविता मैंने पढ़ी थी, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कल जहां सोया था उससे बढ़ के सो। प्रतिदिन सोने के पहले एक लेख लिखना और जब वो 100 हो जाए तो उनका एक शतक प्रकाशित करना। पहले सफरनामा के नाम से उसके 4 अंक आए और उसके बाद सफर जारी है इस नाम से 3 अंक आए। तो सबसे पहले विमोचन के क्रम में आदरणीय डॉक्टर दीना शर्मा जी कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, परंतु लेखिका के नाते भी हम उनका अपमान भी कर रहे हैं और उनकी 3 शतकों का विमोचन यहाँ मंच से करने का मैं अनुरोध कर रहा हूँ। मैं आदरणीय दीना शर्मा दीदी से आग्रह करूंगा कि लेखिका की भूमिका में वे सामने आए, अपने ग्रंथों का विमोचन कराएं और उसके बाद फिर अपना अध्यक्षीय आसन भी ग्रहण करें। विशेष बात यह है
लेखन करने के बाद उसके प्रथम श्रोता हमारे आदरणीय भाई सर प्रोफेसर एस एन शर्मा जी वे भी यहाँ सातों पसंद मैं निवेदन करूंगा कि जरा सब लोग उन्हें प्रणाम करने के स्थान पर खड़े हो जाए तो सभी लोग उनको पहचान प्रोफेसर एस एन शर्मा जी आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी के पतिदेव हैं मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई साहब एस एन शर्मा जी से कि वे भी इस अवसर पर मंच पर आए और आदरणीय वीना दीदी जी के जिस लेखन के वो प्रथम श्रोता रहते हैं उसके वे साथ में विमोचन के इस कार्यक्रम में सहभागी हों चाय बना के बुलाते हैं सफर जारी है क्या ये 500 600 700 आपके सामने 400 प्रकाशित हो चुके हैं विमोचन हो चुका है 500 600 700 ऐसे तीन अंक यहाँ पर आए हैं। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था प्रतिदिन के लेखन को तो आधा शतक पूरा हुआ था और उसके बाद निरंतर मैंने उसको पढ़ा है और उसका यहाँ प्रकाशन भी हुआ है। तो साधारण सी बात का सूत्र पकड़कर कुछ लिखना उसको साझा करना पहले सोशल मीडिया पे अकाउंट्स पर और बाद में पुस्तक के रूप में उसका विमोचन प्रकाशन करना विशेष रूप से बीना दीदी की एक बात और बताने योग्य है सामाजिक सरोकार को लेकर निर्धन छात्रों के लिए वे इस प्रकार की कुछ निःशुल्क शिक्षा और संस्कार का ये अपने यहाँ कार्यक्रम करते हैं। प्रयास नाम से इस प्रकार की संस्था का भी वे उद्भाविका है उसका संचालन करती है। उत्तर प्रदेश सरकार से उनको मलाला पुरस्कार मिला हुआ है और इस प्रकार ये सफर जारी है क्या उनका सफर यह निरंतर जारी रहे। मैं केवल एक बात कहकर बात पूरी करूंगा जब उन्होंने कहा था कि मैंने 365 अंक लिखने का संकल्प किया था और इसके बाद मैं विराम लूंगी तो मैंने उनको निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ परंपरा है कि एक बार वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाती है संकल्प की तो उसका उद्यापन करते हैं और फिर से प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने मेरा आग्रह माना मेरा निवेदन है और ये प्रतिदिन हमारा स्वागत कर सकते हैं उसका। तो इस प्रकार का एक ग्रंथ का यहाँ विमोचन हमारा हुआ है। दूसरे पुस्तक का विमोचन भी मंच से ही है। हम सबके अनेक हमने लोग बने परिचित होंगे प्राच्य दर्शन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी के प्राचार्य रहे और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के लंबे समय तक कार्यकारी अध्यक्ष रहे ऐसे श्रद्धेय प्रोफेसर शरण बिहारी गोस्वामी जी ने ब्रज भाषा में यह पहला उपन्यास लिखा था। हमारे लिए आनंद की बात यह है कि संस्थान के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ललित बिहारी जी गोस्वामी वे उनके पिताश्री डॉक्टर शरण बिहारी जी थे। ये पहला उपन्यास ब्रज भाषा में लिखा गया। आज जब धीरे धीरे ब्रज भाषा का उपयोग कम होने लगा है ऐसी स्थिति में इस पुस्तक का ग्रंथ का पुनर्प्रकाशन करना ये अपने आप में गौरव की बात है। तो मैं डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी जी की स्मृति को नमन करते हुए और मैं आदरणीय ललित जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे पूज्य पिताजी के लिखे गए इस ब्रज भाषा के प्रथम उपन्यास जिसका शीर्षक है थोड़ा शीर्षक विचित्र आप लोगों को लगेगा ब्रज भाषा से जो परिचित नहीं है पूछरी को लौटा यह उसका क्योंकि ब्रज क्षेत्र से आदरणीय वीना बहन जी हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हैं उनको पूछरी के लौटा का महत्व मालूम। श्री कृष्ण के एक सखा जब श्री कृष्ण मथुरा यात्रा करने लगे तो सब मित्र उनके साथ आने लगे। श्री कृष्ण के एक सखा ने कहा यदि सब चले जाएंगे तो यहाँ यशोदा माता और नंद बाबा की सेवा कौन करेगा लोगों ने कौन चढ़ाएगा और इसलिए मैं यहाँ रुकता हूं। यह उनका सखा थोड़ा हृष्ट ब्रज भाषा में लौटा या त्रिलौटा ये शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए होता है तो थोड़ा खाता पीता का है लेकिन हृष्ट पुष्ट रहता है
तो ब्रज भाषा में उसका उसे कहा ही जाता है, अन्न खाए ना पानी पीवे, पड़ो रहे सिलौटा, धन्य धन्य पुछरी को लौटा। पुछरी का लौटा ये स्थान है जिस गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पर्वत का जो अंतिम छोर है वो पूंछ जैसी आकृति बनता है, इसलिए उसके लिए शब्द हुआ पूंछरी। और पूंछरी में ये वहां के लोक देवता की भूमि, इसलिए वो पूंछरी का लौटा। ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जाते हुए जब उसने कहा सखाने कि मैं यही रहूंगा, तो उन्होंने उसको अनुमति भी दी और कहा कि जब जब गिरिराज जी की जय ऐसा जयकारा लगेगा तो उसके साथ पूंछरी के लौटा की जय यह भी बोला जाएगा। यानी समान महत्ता लोक देवता है, हृष्ट पुष्ट है, खाने पीने के शौकीन है, परंतु ब्रज के लोक देवता के रूप में उनकी मान्यता। उस केंद्र पूछरी नाम के उस गांव को केंद्र बनाकर यह उपन्यास की रचना है। विशेष बात यह है कि सारी पृष्ठभूमि आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, उस क्षेत्र में रहने वाले सन्यासी साधु सामान्य जन कैसे उस संग्राम से जुड़े, उस संघर्ष गाथा को इसमें जोड़ा गया है। और इस प्रकार की ये पुस्तक यहाँ ये आपके सामने प्रस्तुत हुई है, गिरिराज जी की जय और पूछरी की लौटा की जय के साथ ये पहली पुस्तक का विमोचन, दूसरी पुस्तक का विमोचन पूरा होता है। तीसरे क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, मध्य प्रदेश के सागर नाम के स्थान में रहते हैं, व्यवसाय से चिकित्सक हैं, साथ में भाई साहब गायनेकोलॉजिस्ट हैं और साथ में उनके पतिदेव हमारे आदरणीय डॉक्टर रामानुज गुप्ता जी भी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे विमोचन के कार्यक्रम के लिए मंच पर पधारें। डॉक्टर रामानुज भी व्यवसाय से डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम में आप दोनों लोगों का सागर में और बहुत लंबे समय से ऐसे समाज की सेवा कार्य में लगे हैं, परंतु दोनों डॉक्टर रामानुज जी और बहन वंदना जी आप दोनों लोग इस कार्य में बहुत लंबे समय से लेखन में, साहित्य सेवा में और समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में वे लोग लगे हुए। पुस्तक के बारे में बताना अवश्य आवश्यक है। पुस्तक का शीर्षक है भारत की गौरव गाथा। आज की पीढ़ी को नहीं मालूम कि भारत क्या था और आज कैसा हो गया है, और इसलिए ये एक संपूर्ण सचित्र संपूर्ण रंगीन एक पुस्तक यह प्रकाशित की गई है। भारत के वैदिक काल से लेकर अब तक के यानी सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता से प्रारंभ करके वैदिक काल, उसके बाद रामायण महाभारत काल, बुद्ध और महावीर स्वामी का काल, उसके बाद मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण, गुप्त, वर्धन साम्राज्य, उनके काल का, भक्ति काल और रीति काल का, इस दौरान विकसित हुए वास्तुकला, स्थापत्य कला, इस सब का, मराठा साम्राज्य की शक्ति का और 1857 के स्वाधीनता संग्राम से होते हुए यह इतिहास जिसमें संगीत, साहित्य, कला, इस सब का विकास कैसे हुआ भारत में, इसको लेकर एक मोटा ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। बहुत मनोयोग पूर्वक अत्यंत परिश्रम से बहन वंदना जी ने इसका काम किया है और मैं निवेदन करूंगा आप दोनों से कि वे इसके विमोचन के लिए मंच पर पधारें। मंच से अनुरोध है कि वे कृपया इस पुस्तक का, भारत की गौरव गाथा, इसका विमोचन करें। यह गौरव गाथा प्रत्येक विद्यालय और प्रत्येक विद्यार्थी के ध्यान में आए उसके अंश, ऐसा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि उन्होंने अपने इस व्यस्ततम समय दे से, शिक्षक का अपना समय कोई नहीं होता, हर समय वो 24/7 काम में लगे होते हैं, उसके बाद भी उन्होंने इस प्रकार का इस बड़े मनी उन्होंने ये कार्य किया है, ये उनके लिए आनंद। आप लोगों ने उस समय पहचाना हो कि नहीं पहचाना, जो दीप प्रज्वलन के समय शंख ध्वनि की थी वो भी बहन वंदना जी ने। हम संस्थान की ओर से कुछ
स्मृति चिन्ह व्यक्त करेंगे और मेरा निवेदन है कि आप लेकर आपके साथ में इस संस्थान की स्मृतियां भरी रहेगा। नई पीढ़ी को भारत के इस गौरवपूर्ण अतीत की जानकारी हो, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, परंतु वह अतीत की केवल जानकारी और उसका सचित्र वर्णन, उसमें शिलालेखों का भी चित्र है, उसमें महापुरुषों के भी चित्र हैं, उसमें उनके विवरण भी है और इस प्रकार की कुछ चीजें उसमें संकलित की गई है। वंदना जी को मेरी पहली बार भेंट हुई और आपके परिवार में मुझे जाने का सागर में अवसर मिला तो डॉक्टर साहब के नाम के नीचे लिखा हुआ बाल रोग विशेषज्ञ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो आपके काम का नहीं हूँ, मेरे बाल ही नहीं है। तो एक्सप्लेन किया कि वो बाल अर्थात बालकों के संबंध में। चौथे पुस्तकों का संच है, हमारे चौथे लेखक जिनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमने सभी के लगभग सुपरिचित हैं, आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी। डॉक्टर विकास दवे जी देवपुत्र जो अपनी पत्रिका है उसके 25-30 वर्ष से वो संपादन का काम संभाल रहे हैं और आज सबसे प्रमुख बात यह है कि उनकी चार पुस्तकों का विमोचन एक साथ हो रहा है। क्रिकेट में चौका मारने की परंपरा है, विकास जी ने चौका मारा है। पहली पुस्तक है देश के लिए जीना सीखे, प्रभु जी ने श्री गुरु जी का चरित्र हम सब लोगों के लिए प्रेरक है, विशेषकर किशोर और बाल आयु वर्ग में उसका एक जो महत्व है और विशेष रूप से उसको भी व्यक्तित्व कृतित्व को नाट्य रूप में रूपांतरित किया गया। विकास जी की सशक्त लेखनी से वो नाट्य रचना हुई है और इसलिए ये पहली पुस्तक जो उसमें पैकेट में निकलेगी वह श्री गुरु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित देश के लिए जीना सीखे। ऐसे श्री गुरु जी जिन्होंने राष्ट्राय स्वा राष्ट्राय एवं नमन ऐसा मंत्र दिया इस देश को, ऐसे उनके लिए सरस रोचक नाट्य शैली ये पुस्तक है। दूसरी पुस्तक उसमें है ये बालकों के लिए कुछ कथाओं का संकलन है। सामान्यतः बच्चों की कथाओं में जो एक दोष आता है अंत में लिखा रहता है जिसे हम आजकल कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमको यह शिक्षा प्राप्त होती है कि ऐसा बताना पड़े। विकास जी के सभी कहानियों की विशेषता है कि उसमें यह कहने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही बालक को लगता है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे जीवन में यह आदर्श स्वीकार करना चाहिए, मेरे जीवन में आदर्श आना चाहिए और इस प्रकार की पुस्तकों का संकलन। इसका भी शीर्षक थोड़ा सा भिन्न है, कड़वा मुंह मीठी बातें, छह कहानियों का संकलन है और ये छह कहानियां इसमें सभी बच्चों को संदेश देने वाली ऐसी कथाओं का और संकलन किया गया। तीसरी पुस्तक यह विशेष रूप से शिक्षा का स्वदेशी भाव इस शीर्षक के शिक्षकों के लिए है। डॉक्टर कोठारी ये रिपोर्ट का पहला वाक्य हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, भारत का भवितव्य भारत का भविष्य वहां कक्षाओं में कक्षा कक्षों में गढ़ा जा रहा है। तो कैसे गढ़ा जा रहा है, इस गढ़ने में शिक्षकों और पालकों अभिभावकों की क्या भूमिका होती है, इसको लेकर कुछ बातें उसमें जुड़ी हुई। स्वामी विवेकानंद जी इसको कहते हैं मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, वह कैसे सहज कक्षा कक्ष के वातावरण में हो सकती है उसको लेकर कुछ प्रयोगात्मक बातें ये आदरणीय विकास जी ने अपनी तीसरी पुस्तक शिक्षा का स्वदेशी भाव, सामान्यतः स्वदेशी माने हम लोगों ने उसको भी सीमित कर लिया है स्वदेशी सामान खरीदना, तो केवल उतना नहीं स्वदेशी भाव का यहाँ पर अर्थ है
शिक्षा के अंदर स्वदेश के प्रति गौरव का भाव, स्वदेशाभिमान, स्वदेश प्रेम, मातृभूमि के प्रति यह अनन्य भक्ति, यह जो भाव जागरण है, यह तीसरी पुस्तक की विषय। चौथी पुस्तक जो एकदम नई है, यानी आज ही प्रातः काल प्रकाशक से प्राप्त हुई, ऐसी चौथी पुस्तक का विमोचन हो रहा है, न फूल चढ़े न दीप जले, इस स्वतंत्रता के संग्राम में जिन्होंने अपनी प्राणाहुति दी, जिन्होंने अपने जीवन लगा दिए, ऐसे अनेक महान विभूतियों के संबंध में कुछ जानकारी। परंतु ये सारे विषय बाल किशोरों को, उस आयु वर्ग को ध्यान में रखते होंगे। विकास जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें, आदरणीय मंच से निवेदन है कि वे पुस्तकों का विमोचन करें और विकास जी को सम्मान। विकास जी देवपुत्र के संपादक तो हैं ही, आजकल मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के भी निदेशक हैं, भोपाल में आजकल उसके कारण उनका रहना होता है। बाल साहित्यकार हैं, पीएचडी उनकी बाल साहित्य विषय पर ही है, बाल पत्रकारिता में, और इंदौर में इस प्रकार के लेखन संपादन के काम के साथ ये लंबे समय से जुड़े हुए पूरे मध्य प्रदेश में उनके अपना इस नाते से नाम है। विकास जी से मेरा परिचय लगभग 30 वर्ष पुराना है, और विशेष बात यह है कि पहले मैं विकास जी के परिचय में जोड़ता था कि वे आयु से बहुत कम लगते हैं, तो आप उनको इतना अनुभवहीन न मानिएगा, लेकिन अब जब से वो निदेशक हो गए तब से मुझे ये कहने का साहस नहीं होता है। वे अब वरिष्ठ साहित्यकारों की श्रेणी में हैं। विकास जी का सम्मान आदरणीय मंच से निवेदन है कि अंगवस्त्र श्रीफल और स्मृति चिन्ह से डॉक्टर विकास जी का साहित्यकारों के सम्मान की दृष्टि से यह कुछ कार्यक्रम। हम भारत के पूर्वोत्तर की ओर सेवन सिस्टर स्टेट्स इनको कहा जाता है, इनमें अनेक जनजातीय निवास करते हैं। इन जनजातियों की अपनी लोक संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके जीवन दर्शन है, उनकी जीवन की पद्धति है। विशेषकर मेघालय की गारो पहाड़ियों के आसपास और लोअर असम जिसे कहा जाता है, इसमें विशेष रूप से एक जनजाति निवास करती है, वहां की बड़ी जनजाति राभा। राभा जनजाति के ऐसे बंधुओं के जीवन में उनके जो विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक चिंतन है वह हिंदुत्व के अत्यंत निकट है, और उसको लोक कथाओं के माध्यम से जीवन रखा गया। विशेष बात यह कि पहले उसका लेखन नहीं हुआ, क्योंकि राभा भाषा का अपना लिपि नहीं, बाद में उसे असमिया में लिखा जाने लगा, और उसके साथ ही यह भाषा को लिखकर और पुस्तकों के प्रकाशन का भी कार्य शुरू हुआ। लोक कथाएं सामान्यतः लोक मंगल और लोक संस्कार के उद्देश्य को लेकर चलती हैं, और इसलिए ऐसी कुछ राभा जनजाति की लोक कथाओं का एक संग्रह यह भी प्रकाशित किया गया है इस बार, जैसे अभी मुझे हो रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर इस पुस्तक के संकलनकर्ता आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र चंद्र दास सुदामा, वे कृपया मंच पर पधारें। मैं मंच से निवेदन करूंगा कि राभा जनजाति की दो कथाएं सुदामा दा के साथ बोधी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर स्थान लें विमोचन के समय। सदा बोलेंगे
दादा के साथ उनकी सहधर्मिणी भी पधरी हुई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनकी पुस्तक प्रभा जनजाति की लोक कथा, आदरणीय जन जी कह रही हैं कि बहुत परिश्रम से उन्होंने, बहुत परिश्रमी है, उन्होंने परिश्रम पूर्वक ये संकलन किया है। विशेष बात यह है कि लोक कथाओं के जो मूल सामान्य तत्व हैं, मनुष्यों की तरह बोलने वाले पशु पक्षी, देवता, ऋषि, राक्षस, उनके शाप और उनके आशीर्वाद, वरदान, ये सब इन की विषय वस्तु में है। उसमें जादू टोना भी है, भूत प्रेत भी है, रूप बदलते हुए प्राणी भी है, और ऐसी एक रोचक संग्रह यह जाति की लोक कथा इसके नाम से यह प्रकाशित किया है। मैं निवेदन करूंगा मंच द्वारा आदरणीय दादा का सम्मान भी किया जाए। दादा गुवाहाटी में निवास करते हैं, सेवा शिक्षक हैं, पुष्पम बोलते को दिया जाए लक्ष्मी लक्ष्मी के पास लक्ष्मी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ये अच्छे अवसर पर हम लोग यहाँ पर विद्या भारती शिक्षा क्षेत्र में कार्य करती है और शिक्षा क्षेत्र की दो प्रयोगों पर आधारित पुस्तकें इसके बाद हम विमोचन कर रहे हैं। हम तो परिचित हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी से, और उत्तर प्रदेश विद्यालय श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा में उसके लिए सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, और उन्होंने जो 30-35 वर्ष शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग किए आचार्य प्रधानाचार्य के रूप में, जो स्वयं हिंदी साहित्य के अध्ययन है परंतु विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय में बालकों के व्यक्तित्व का विकास, इस सब को लेकर उन्होंने अनेक प्रयोग किए। पुस्तक पढ़कर लिखना एक बात होती है और अनुभूत प्रयोग लिखना एक दूसरी बात, और इस प्रकार के अनुभूत प्रयोगों को उसका शीर्षक ही रखा है पुस्तक का, अनुभूत शैक्षिक प्रयोग। डॉक्टर अजय शर्मा जी से मेरी प्रार्थना है कि वे मंच पर पधारे। आदरणीय मंच से निवेदन है कि वे इस अनुभूत शैक्षिक प्रयोग पुस्तक का विमोचन करें। तो लजारन जी की पुस्तक में एक वाक्य है, शिक्षक मात्र व्यक्ति नहीं, एक जीवंत विचार, और इस जीवंत विचार को क्रियान्वयन में लाना, उसको विद्यार्थियों के बीच में कक्षा कक्ष में उसको ले जाना, इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयोग होते हैं। शिक्षण की पद्धति, शिक्षण की तकनीकें, शिक्षक का व्यवहार और आचरण, टीएलएम का प्रयोग, मेरे प्रयोग आपके लिए भी उतने सफल होंगे इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने पर जो मुझे ध्यान में आया है वे ऐसे सहज प्रयोग हैं जो किसी भी विद्यालय में बालकों के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, और ऐसे सारे प्रयोगों का संकलन करना और उसके प्रभाव परिणाम का भी संकेत करना कि मैंने ऐसा किया तो उसका परिणाम क्या आया, ऐसे प्रयोग धार्मिक शिक्षक को
हम यहाँ सम्मानित करके हमें गौरव अनुभव हो रहा है। इसी क्रम में शैक्षिक विषय की ही दूसरी पुस्तक शिक्षा के प्रयोग विद्याभारती के विद्यालयों में हम लोग पहले से 1952 से ऐसे अनेक प्रयोग करते हैं जिससे बालकों के व्यक्तित्व का बालकों का सर्वांगीण विकास जिसकी हम बात करते हैं, बालकों में नेतृत्व क्षमता का विकास, बालकों में स्वयं निर्णय करने की विवेक बुद्धि का विकास, ये सब हो, संवैधानिक गुणों का, मानवीय मूल्यों का विकास करने वाली अनेक गतिविधियां हमारे विद्यालयों में सदैव से चलती रही है। बालिका शिक्षा में जो प्रयोग किए जाते हैं तो अपने यहां जो कहा जाता है कि एक बालिका यदि पढ़ती है तो वो दो कुलों को पढ़ाती है, और इसलिए बालिका शिक्षा के प्रयोग में भी कैसे उस बालक में बालिका में पिता माता जैसी मातृत्व की भाव, कैसे उसमें रानी लक्ष्मीबाई जैसा मित्रत्व, कैसे उसमें देवी अहिल्या जैसा कर्तृत्व और कैसे उसमें भगिनी निवेदिता जैसी भारत भक्ति के गुण आए, इसको लेकर बालिका शिक्षा के भी हम अनेक प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रयोगों का संकलन हमारे आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी ने किया है। राजकुमार जी विद्याभारती के ही पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, अयोध्या उनका केंद्र है तो हम लोग समझ सकते हैं अयोध्या के राजकुमार हमारे सामने आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनकी इस पुस्तक जिसका शीर्षक है दायित्व बोध छात्रों में विकास के लिए विद्यालयीन गतिविधियां, इस पुस्तक के विमोचन के लिए मैं आदरणीय मंच से निवेदन कर रहा हूं। समय समय पर राजकुमार जी स्वयं भी आचार्य प्रधानाचार्य रहे हैं तो उस काल में और बाद में अपने अवध प्रदेश के प्रदेश निरीक्षक के रूप में काम करते हुए उन्होंने अनेक विद्यालयों में अनेक प्रकार के प्रयोग कराए और इस प्रयोगों के कारण से इन प्रयोगों के प्रभाव और परिणाम का संकलन यह किया है। मैं मन से निवेदन करूंगा श्री राजकुमार जी का, वैसे तो वे अपने कार्यकर्ता हैं और संस्कृति बोध परियोजना जिसकी ये बैठक चल रही है उसके वे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयोजक, परंतु आज वे साहित्यकार के रूप में हमारे बीच में हैं, लेखक के रूप में, और इसलिए लेखकीय सम्मान उनकी लेखनी का सम्मान यह करते हुए आदरणीय टीवी कार्यक्रमों पे आना है, बीच में एक ब्रेक के लिए रुके, अभी आधा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैंने कुल 18 पुस्तकों में से और यह अभी तक हम 9 पुस्तकों का विमोचन कर सकते हैं। आगे इस कार्यक्रम को गति देते हुए आगे की विमोचन का कार्यक्रम हो आगे उसके बीच में पीछे पुस्तकों का विमोचन पुस्तकों का हुआ है, सात लेखकों की पुस्तकों का उसके बाद अभी सातों लेखकों का विमोचन किया जाना है। इस मत में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर गोविंद शर्मा जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कृपया आज के मुख्य अतिथि उद्बोधन दे सकते आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय कृष्ण गोपाल जी
आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय डॉक्टर बीना शर्मा जी, विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी राम प्रसाद, संस्थान के महामंत्री गोस्वामी जी, अवनीत जी भटनागर और सम्मानित लेखक बंधु और मेरे मित्रों, ये सौभाग्य की बात है इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मेरे को अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं लेखक बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने इस मनोयोग से एक विचार को सामने रखकर, दृष्टि को सामने रखकर जो लेखन किया वो आज हमारे सामने उपस्थित हुआ है। इसके साथ ही इस संस्थान को भी बधाई है जिसने इस प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशित किया है। मित्रों, एक पुस्तक का प्रकाशित होकर के सामने आना बहुत बड़ी घटना है। अब विचार कीजिए, जो कृति जो पुस्तक के रूप में हमारे सामने है उसके पीछे कितना समय, कितना विचार, कितना संकल्प और कितना सोच लगा हो। एक लेखक के मन में कुछ विचार आता है, उसको विकसित करता है, कई संदर्भों को देखता है, कई पुस्तकों को देखता है, कई शैलियों को देखता है, उसके सामने कुछ सामने होता है इससे अच्छा, इससे श्रेष्ठ, ये इस अनुभूतियों को लेकर के पुस्तक लिखी जाए, वो पुस्तक तैयार होती है। उसके बाद वो प्रकाशक के पास जाता है, प्रकाशक भी उसमें श्रम करता है, लेआउट तैयार करता है, कौन सोचता है किस फॉन्ट में निकालनी चाहिए, कागज कैसा होगा, कवर पेज कैसा होगा, इस सब को ध्यान में रख करके वो उसके ऊपर श्रम करता है। एक दो तीन फाइनल प्रूफ रीडिंग, उसके बाद उस पुस्तक का प्रकाशित होना, और प्रकाशित होने के बाद हमारे सामने पुस्तक का आना एक बहुत बड़ा कार्य है, परिश्रम है, बुद्धि है, विवेक है, समर्पण है और एक कृति को सामने लाने का विचार है। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि लेखक के साथ प्रकाशक का भी सम्मान होना चाहिए। एक लेखक को सामने लाने में उसकी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। कई लेखक हैं जिनकी कृतियां प्रकाशित नहीं हुई तो वो रखी रहेगी, तो प्रकाशक के महत्व को और प्रकाशक के श्रम को, इन कृतियों को सामने लाने का जो संकल्प है उसका हमको सम्मान करता है। ये पुस्तक केवल लेखक को ही आत्म सुखाय इस प्रकार का नहीं है, पुस्तक लेखक ने समाज को समर्पित कर दिया, एक समारोह पूर्वक एक समारोह के अंदर अपनी श्रेष्ठ कृति को जो पिछले दिनों में उसने प्रकाशित कराया है हमारे सामने लाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पुस्तक संस्कृति के विकास में लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका है। विचार कीजिए, यदि लेख यदि एक पुस्तक न होती तो क्या,
केवल इन पुस्तकों के संदर्भ में नहीं कुल मिलाकर के यदि पुस्तकें लिखित रूप में हमारे सामने आती तो क्या हो, एक बहुत बड़ा ज्ञान, एक बहुत बड़ा दर्शन, एक दृष्टि, एक सोचने का तरीका यह हुआ रहता। तो प्रकाशन का एक बहुत बड़ा कार्य, पुस्तक के प्रकाशन का कार्य बहुत बड़ा था। और उस समय जबकि लोगों की अभिरुचि पढ़ने में कम हो रही, जो कई सर्वे हो रहे हैं, जो कई मंचों पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, और जिनसे समाज को वाकिफ किया जा रहा है, वो यह है कि नई जनरेशन में पढ़ने की अभिरुचि कम हो रही। उस समय इन पुस्तकों का आना निश्चित रूप से अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कार्य है, चाहे महामारी का कारण बतलाइए चाहे अन्य कारण बतलाइए। पूरे विश्व के अंदर प्रकाशन की जो संस्थाएं और पुस्तकों की जो बिक्री है उसमें 6% की कमी आई है, और पूरे विश्व के अंदर जो श्रेष्ठ संस्थान है पुस्तकों को प्रकाशित करने वाले कई संस्थान बंद हो रहे हैं। वेस्टलैंड का आपने नाम सुना होगा, पहले उसको टाटा ने लिया, अमेजॉन ने लिया, वो बंद हो गया। पेंगुइन का जो वार्षिक लाभ है वो कम होता जा रहा है। इस प्रकार के स्थिति में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सतत लगे रहने का संस्थान का जो लक्ष्य है और विचार है निश्चित रूप से वो अभिनंदनीय है, निश्चित रूप से उसको अभिनंदित किया जा रहा है। विश्व के अंदर पुस्तक संस्कृति को यदि जिंदा रखना है, अध्ययन को जिंदा रखना है, पढ़ने के स्वभाव को जिंदा रखना है, तो पुस्तकों का होना, श्रेष्ठ पुस्तकों का होना बहुत आवश्यक। पुस्तकें ज्ञान के विकल्प को, सोचने के विकल्प को हमारे सामने लाती है। एक पुस्तक हम पढ़ते हैं हमारा विचार उस तरीके का बनता है, बिल्कुल दूसरे पुस्तक पढ़ते हैं हमको एक विकल्प सामने आता है। तो पुस्तकें ज्ञान के विकल्पों को पैदा करती है, और इसलिए पुस्तकों का एक सभ्य समाज के अंदर श्रेष्ठ स्थान, उसको कोई दूसरा दे नहीं। पुस्तकों के ही द्वारा महान पुरुषों ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस समाज को क्या दिया हमको जानकारी मिलती है। पुस्तकों के द्वारा ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने का हमारा विचार क्या है वो परिष्कृत होता है, वैचारिक संवर्धन के लिए, वैचारिक परिष्करण के लिए और वैचारिक प्रगति के लिए ऐसे अवसर पर मैं विशेष तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर स्वीकार करूंगा कि लेखकों का अभिवादन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी यह श्रेष्ठता है कि वे आम व्यक्ति को सोचता है उसको एक दिशा देने के लिए अपनी कृति को सामने लाते हैं, और इसी प्रकार प्रकाशक को भी धन्यवाद देना चाहिए कि वह इन कृतियों का हमारे सामने लाता है। हम सब पाठक हैं, तो इन पाठकों के सामने इन पुस्तकों का आना निश्चित रूप से महत्व होता है, अन्यथा हमारी अभिरुचियां, हमारा ज्ञान सीमित होता चला जाएगा। इस समारोह के अंदर जो भी कुछ श्रेष्ठ लेखक बैठे हुए हैं, जो भी श्रेष्ठ पुस्तकें हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और आपको नमस्कार।
पुस्तकों के विमोचन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मानी उन्नीस व्यासक से अनुरोध है आगे की जो पुस्तकें हैं उनका विमोचन कराने की जरूरत है। भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, 70 वर्ष पूरे होंगे 15 अगस्त। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस स्वतंत्र होते ही भारत ने एक बहुत बड़ी विभीषिका का सामना किया, वह था भारत का विभाजन। भारत माता के शरीर के दो दोनों भुजाएं यह अलग हुई महसूस करें, और इसलिए वह केवल भौगोलिक विभाजन था इतना मात्र नहीं, तो इस प्रकार से उस पीढ़ी को एक बहुत बड़ी त्रासदी का भी सामना किया। विभाजन के कारण अपनी घर बार छोड़कर और विशेष रूप से अपने ही देश में शरणार्थी बनकर विस्थापित होकर उनको दूसरे स्थान पर आना पड़ा। पूरी एक पीढ़ी जिसको न रहने को स्थान था, न खाने के लिए पर्याप्त भोजन था, न कोई रोजगार था, न उनके पास कोई घर मकान था, न उनकी कोई व्यवस्थाएं थी, न उनको पढ़ने लिखने के साधन थे उनके बच्चों के लिए, और उस सबके बाद भी उन्होंने आकर देश में बनाया। ऐसी विभीषिका के झेलने वाले लोगों में से अनेक भाग्यशाली थे, सुरक्षित आ गए, अनेक ऐसे थे जिनके प्राण चले गए, अनेक ऐसे थे जिन्होंने यात्रा में कष्ट नहीं सहन कर पाए और प्राण त्याग दिए, अनेक माताएं बहने उनके अपहरण हो गए और वे कभी दोबारा अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ पाए, अनेक बच्चे अनाथ हो गए। इस सारी विभीषिका को देखने वाली, सुनने वाली, भोगने वाली पीढ़ी भी अब समाप्त हो रही थी। स्वतंत्रता को 75 वर्ष हुए, तो स्वाभाविक है जिनको थोड़ी बहुत भी स्मृति है ऐसे सभी लोगों की आयु 80 वर्ष पहुंच जाती थी। सौभाग्य से अपने लेखकों में से एक श्रीमान रतन चंद जी सवदाना, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय रतन जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मंच पर पधारें। उनकी इस पुस्तक का शीर्षक ही विभीषिका है। उन्होंने स्वयं अपने परिवार के ऊपर होते हुए और इस कष्ट को उन्होंने देखा है, भोगा है, वे भुक्तभोगी हैं, वे प्रत्यक्षदर्शी हैं, और इसलिए उस विभीषिका में अनेक ऐसी बातें जिनको शायद लेखनी स्थान नहीं दे सकती, ऐसे अनेक लोगों के बारे में उनकी व्यथा कथा को इस प्रकार से एक उपन्यास के माध्यम से व्यक्त करना, यह कैप में और बहुत महत्वपूर्ण। यह पुस्तक विभीषिका आदरणीय सरदाना जी, ये जो अपना श्रीमद भगवत गीता वरिष्ठ विद्यालय है उसके सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविताओं का लेखन करते हैं। ये उनका पहला उपन्यास है, चौथा उपन्यास है विभाजन की, और विशेषकर भारत के उस कष्टदायक समय की यातना को स्मरण करते हुए उपन्यास की भाषा में बांधना और विशेष रूप से इस अमृत महोत्सव वर्ष में उसको प्रस्तुत करना, एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। वे इस आयु में भी हम सब लोगों की इसलिए प्रेरणा के कारण है कि वे सतत अभी भी लेखन के इस कार्य में प्रवृत्त हैं। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी ने भी कहा, मैं आप लोगों को स्मरण कराता हूँ, टीवी चैनल के नाम पत्रकार जो सौभाग्य से हमारे बीच में नहीं है, हमारे गुरु छात्र रोहित सरदाना, ये आदरणीय रतन चंद्र जी के सुपुत्र थे। मैं रोहित जी को भी स्मरण करता हूँ, और उपन्यास का एक और पक्ष, अनेक बार हम लोग जब समाज जीवन में बातचीत करते हैं तो ये प्रश्न आता है, विभाजन के समय संघ ने क्या, संघ कहाँ था, और इस उपन्यास में यह भी वर्णन साथ में आया। पंकज जी की विद्यार्थी रहे हैं इसलिए मैं आदरणीय रतन जी का अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दीर्घायु हो, इस प्रकार की साहित्य रचना ये सतत करते रहें। अभी भी वो लगातार लेखन में लगे हुए हैं और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप आगे भी
वे इस प्रकार का लेखन करते रहें, हम लोगों को अपने भावों से जोड़ते रहे। अब मैं जिनको मंच पर पधारने का निवेदन करूंगा उनकी दो पुस्तकें हैं और एक पत्रिका जिसका मैं करती हूँ। पुस्तक का परिचय पहले कराता हूं कि पुस्तक का परिचय यहां व्यक्ति से कुछ ज्यादा बड़ा होगा। पहली पुस्तक है भारत के स्वनामधन्य जैसा कहा जाता है रसायन शास्त्र के भीष्म पितामह ऐसे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जीवनी को बालकों के लिए वैसा उनको समझ में आए। विज्ञान के बड़े सिद्धांत ने विज्ञान के सिद्धांतों को भी सरल भाषा में जो बालक समझ सके इस प्रकार की भाषा में इसी शीर्षक से भारतीय रसायन शास्त्र के भीष्म पितामह आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ये पहली पुस्तक है जिसका। दूसरी पुस्तक है जिसका साथ में ही विमोचन होना है उस पुस्तक का शीर्षक है सुर सारंग। सुर सारंग पुस्तक ये भी नाम थोड़ा अपने को विशेषकर हिंदी के विशिष्ट नाम में अपने कुछ विशेषता लिखी। समझ में सुर सारंग का अर्थ है इंद्रधनुष रिंबो। संगीत भी एक प्रकार के इंद्रधनुष की ही सृष्टि करता है रिंबो की विविधता। सारंग भाषा सारंग शब्द के हिंदी के शब्दकोश में 21 अर्थ लिखे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं उसकी व्यापकता का। मैं केवल उनको पढ़ता हूं सारे याद रखना मेरे लिए भी कठिन था। सारंग का अर्थ है मेघ यानी बादल, मयूर, हिरण, हाथी, समुद्र, गंगा, श्री कृष्ण, सूर्य, चंद्रमा, दीपक, मोती, अप्सरा, कामदेव, भंवरा, मधुमक्खी, वीणा, कमल, राजहंस, पंख, माँ का आंचल और एक राग का नाम भी सारंग है। इतने विविधतापूर्ण नाम के साथ और ये सुर सारंग नाम की विषय वस्तु क्या है? तो ये विषय वस्तु में संगीत दो विशेषताएं इसकी मैं निवेदन कर रहा हूं। एक तो संगीत के विषय में संगीत का इतिहास है, संगीत के महत्व है, संगीत के आचार्य हैं, संगीत के ग्रंथ हैं, संगीत की विभिन्न विधाएं हैं। संगीत में गायन, वादन, नृत्य और नाट्य ये चारों विधाएं शामिल, इसलिए उनके बारे में वर्णन है। संगीत को लेकर भारत में किस प्रकार के प्रयोग चले हैं उनको उनके बारे में वर्णन है। संगीत को चिकित्सा के माध्यम के रूप में अपनाया जाता उसका वर्णन है। परंतु ये सारा वर्णन तुहा छंद में अपने आप दुर्गा सप्तशती इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि 700 श्लोक सप्तशती। हिंदी साहित्य में बिहारी नाम के कवि हैं जिनके 700 दोहों का संकलन है उसका शीर्षक है सतसई, बिहारी सतसई कहा जाता है। यह 700 दोहों का संकल्प, 700 दोहे इसके मूल विषय वस्तु में है यानी संगीत के महत्व, संगीत का परिचय, संगीत का इतिहास भारत में, संगीत की विधाएं आदि आदि। उसके अतिरिक्त पुस्तक में मंगलाचरण होता है उसमें भी 21 दोहे ही हैं। परिचय अपना देते हुए आत्मनिवेदन जिसको कहा जाता है यह आत्मनिवेदन भी दोहा छंद में ही अतिरे दोहे हैं। नामकरण सुर सारंग क्यों किया गया इसको जस्टिफाई करने के लिए भी 22 दोहे ही हैं और अंत में किसी भी स्तोत्र को लिखने के बाद क्षमापना स्तोत्र होता है यानी क्षमा याचना किया जाता है। तो संगीत के देवता से माता सरस्वती से क्षमा याचना करने के लिए भी जो क्षमा याचना है उसके भी 21 दोहे हैं यानी इनका भी योग 77 है। 777 दोहों की यह रचना सुर सारंग आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री गोपाल जी महेश्वरी को तेरे मंच पर पधारें और गोपाल जी से हम सब लोग प्रायः करते देवपुत्र के वे प्रबंध संपादक हैं। अपनी योजना में आचार्य प्रधानाचार्य रहे तो आगे से जरा परिचय तब से ही है जब वो प्रधानाचार्य थे और लगातार सतत लेखन का कार्य करते रहे। एक और छोटी छोटी बातें विमोचन के कार्यक्रम के बीच में बता रहा हूं। यह जो अपना आजादी के अमृत महोत्सव का गीत चल रहा है वह भी गोपाल जी की ही रचना है। और इसकी रचना और आपको आश्चर्य होगा कि गीत की रचना लेखकों का एक मूड होता है, एकांत होना चाहिए, थोड़ा वातावरण होना चाहिए आदि आदि। आश्चर्य की बात यह है कि गोपाल जी ने इसकी रचना ट्रेन में बैठकर अपने मोबाइल पर की।
तीन गीत उन्होंने लिखकर और भेज दिए। ये उनकी रचना क्षमता है। मैं विकास जी के को निवेदन करूंगा, विकास जी दवे को, क्योंकि तीसरी पुस्तक यह देवोत्सव का बाल गीत अंकर है। इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 बाल गीतों का संकलन, सभी में राष्ट्रीय स्वर है, 75 अलग अलग कवि हैं, 75 कवियों की 75 रचनाएं हैं। रचना 100 वर्ष पुरानी भी गीत की रचना है और आज की भी रचना है, यानी इतना बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए। और ये इस प्रकार की एक रचना देवपुत्र ने प्रकाशित की है, देवपुत्र का ये बाल गीत अंक, ये क्योंकि विकास जी भी देवपुत्र से जुड़े हैं, इसलिए मैंने उनको मंच पर आना। पिछले वर्षों में हम लोगों ने 3 पुस्तकों का अभियान लिया था, जलियांवाला बाग, गुरु नानक देव ऐसे, उसके लेखक भी हमारे बीच में प्रसन्न विकास जी एक पुस्तक के लेखक थे। परंतु गोपाल जी से मैंने ये निवेदन किया कि मुझको ऐसी चाहिए, उन्होंने कितने दिनों में चाहिए, मैंने कहा 10-15 दिन में चाहिए, हाँ प्रयास करूंगा। और ऐसा कहने के बाद एक दिन छोड़कर अगले दिन सुबह 5:30 बजे उन्होंने मुझे फोन किया कि वो पुस्तक मैंने आपको भेज दी। एक रात में भोजन करके बैठे और सुबह पूरी पुस्तक 75 पृष्ठ की हाथ से लिखकर फोटो खींचकर व्हाट्सएप करके सोए। ऐसा रचना क्षमता होना यह मैं अद्भुत है। गोपाल जी हमारे बीच में है, उनकी इन तीनों 2 पुस्तकों और एक पत्रिका का विमोचन करना यह भी हमारे लिए एक बहुत आनंद की बात है। संगीत हमारे यहाँ जितना महत्वपूर्ण है उसको देखते हुए इस प्रकार की एक रचना को हम यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत कर पाए हैं, ये अपने लिए आनंद। मैं पुनः शिक्षा की ओर वापस लौटता हूँ और इसके बाद 2 पुस्तकें की हैं उन पुस्तकों का परिचय करता हूँ और फिर लेखक महोदय को। पहली पुस्तक है जिसका शीर्षक है ज्ञान की बात। भारत में ज्ञान को ब्रह्मानंद स्वरूप माना गया, ब्रह्म के समतुल्य। ये ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? अज्ञान का अभाव होने से ज्ञान होता है और इसलिए ज्ञान के विविध रूप क्या हैं, ज्ञान के साधन क्या हैं, हम लोग कर्णों की बात करते हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण चतुष्टय, ये सब कैसे मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये किस प्रकार सक्रिय होते हैं तो ज्ञान अर्जन होता है, इन करणों का विकास कैसे किया जा सकता है, करणों और उपकरणों में क्या भेद है, शिक्षा का ये जो एक प्रकार से दर्शन और मनोविज्ञान का पक्ष है, ये पुस्तक ज्ञान की बात में है। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि में एक विशेष बात उल्लेखनीय है कि इसमें लिखे गए लेख ये जो विद्या भारती की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा .com पोर्टल है उस पर क्रम से दिए गए हैं, इनका संकलन करके ये पुस्तक तैयार की गई। मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर श्रीमान वासुदेव जी को। श्रीमान वासुदेव जी प्रजापत वे यह पुस्तक की रचना करने में उनको कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा, ये क्षमा यात्रा पूर्वक में कह रहा हूँ। अभी आदरणीय डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी ने कहा कि पुस्तक लेखन बड़ा कठिन था, लेकिन जिनके लिए पुस्तक लेखन बड़ा सरल कार्य है, सहज कार्य है, ऐसे है वासुदेव जी। वे संस्थान के सह सचिव भी हैं, ये मेरे लिए भी जरा अपने आप को इलेटेड फील करने की बात है। और विशेष रूप से वे शिक्षा क्षेत्र में रहे हैं, आचार्य प्रधानाचार्य रहे हैं, जोधपुर में निवास करते हैं, हमारे जोधपुर प्रांत के निरीक्षक और बाद में सचिव रहे हैं, ऐसे अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ज्ञानार्जन को लेकर। दूसरी पुस्तक जिसका विमोचन साथ में हो रहा है उसका शीर्षक है भारतीय जीवन दृष्टि एवं वैश्विक संदर्भ में उसकी भूमिका। ज्ञान की बात का ये पहला खंड है, यानी दूसरा खंड भी अगली बार हमको प्राप्त होगा। दूसरी पुस्तक है
भारतीय जीवन दृष्टि एवं विश्व संदर्भ में उसकी भूमिका हमारे वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं। और ऐसे पांच व्याख्यानों का मैं पांचों का केवल शीर्षक आप सबसे करता हूं, पर वो जो सरसंघाचार्य जी के तीन बौद्धिकों का संकलन है। आज जो भारत बोध की नई दृष्टि का काल चल रहा है उसमें वैश्विक संदर्भ में भारत की भूमिका क्या है, इसको लेकर ये एक प्रभु जो सरसंघाचार्य जी का उद्बोधन का हम बाधित होंगे। हैदराबाद में पूर्व छात्रों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर प्रभु जी सरसंघाचार्य जी उपस्थित थे, उनके उद्बोधन का संकलन अंश है। और गोरखपुर में 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो थे, उस समय का संविधान को लेकर और संविधान और धर्म के स्वरूप के क्या आपस में संयोजन होना चाहिए इसको लेकर गौर किया। माने सुरेश जी सोनी ने वेद विज्ञान शोध संस्थान बेंगलुरु में भारतीय जीवन दृष्टि इस विषय पर उद्बोधन किया था। और विद्या भारती का एक अखिल भारतीय कार्य गोष्ठी भोपाल में हुई थी, जिसमें विद्वत परिषद शोध और प्रशिक्षण की दृष्टि से क्या दिशा होनी चाहिए इसको लेकर इनका उद्बोधन, ऐसे पांच व्याख्यानों का संकलन संपादित पुस्तक में संकलित किया है भारतीय जीवन दृष्टि और वैश्विक संदर्भ में उसकी भूमिका। मैं जिसका भी उल्लेख कर रहा था उसके सूत्रधार को मैं अनुरोध करूंगा। हम एक शब्द बहुत वर्षों से सुनते आ रहे, 1964 में शायद उसका एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेड रूप आया होगा, बाल केंद्रित क्रिया आधारित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। अभी शिक्षक बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और विद्यार्थी उसे रट लेता है। यदि ये क्रिया आधारित हो, ये बहुत पुरानी प्रवर्ण चलती है, बच्चा कहता है आई हियर आई फॉरगेट, सुनता हूं भूल जाता हूं, आई सी आई रिमेंबर, लेकिन चीज को देख लेता हूं तो थोड़े दिनों याद भी रखता हूं उसको। और तीसरा अंश है आई डू आई लर्न, मैं जब उसे करके देखता हूं स्वयं तब मैं सीखता। सदैव बालक के अंदर की जो जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है नया सीखने की, उसकी उत्कंठा है, वो उसको सीखने का मार्ग दे। बड़े होकर हम चीजों को क्यों नहीं सीख पाते, और बचपन में हमने जो प्राइमरी रैंक अपने शिशु कक्षाओं में पढ़ते हुए प्रथम द्वितीय कक्षा में जब हम पढ़ते रहे होंगे तब जो हमने कविताएं याद की थी वो आज तक हमें याद क्यों है, तो उसका कारण यह है कि उस समय हमारा चित्त बहुत स्पष्ट रहता है और हम जो भी जो समय सीखना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, वह हमको मिलती है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा हो रही थी और उसमें भी जॉयफुल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया। प्रश्न है कि ये क्रिया आधारित कैसे, रटाना, सिखाना, बताना, परीक्षा लेना, ये जो प्रक्रिया है इसके बजाय बच्चों की उत्सुकता जागृत करने का प्रकार क्या हो सकता है। बच्चों को उत्सुकता है, वो सब चीजों को करके देखना चाहते हैं। छोटा बच्चा भी अपना खिलौना एक ही दिन में तोड़ फोड़ देता है, माता पिता कहते हैं तोड़ दिया, वो तोड़ता नहीं, उसे खोल के देखने का प्रयास कर रहा होता है कि इसके अंदर क्या है और ये कैसे चलता है, क्योंकि उत्सुकता जिज्ञासा है। ठीक इसी प्रकार किसी बालक को आप देखते हो घरों में ही माँ रोटी बनाने लगती तो वो भी जिद करता है मैं भी रोटी बनाऊंगा, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी कितनी बनाने का प्रयास करता है। अभी आप उसे करने नहीं देते बात अलग है, लेकिन जो कुछ माता पिता करते हैं वो उसे करने का प्रयास करता है। ये क्रिया के माध्यम से सीखने की परंपरा है। यह जो क्रिया आधारित शिक्षा है, यह बच्चे बड़ों की नकल करके कैसे सीखे, जिसे हम कह सकते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य ज्ञान, यह कैसे प्राप्त होता है इसको लेकर यह एक पुस्तक की रचना की गई है, जिसका मैंने उल्लेख किया था। राष्ट्रीय शिक्षा.com नाम के पोर्टल पर इसको हमने क्रमशः दिया था, बाद में इसका एक संकलन भी प्रकाशित कर रहे हैं। और इस राष्ट्रीय शिक्षा.com के संपादक और सूत्रधार श्रीमान रवि कुमार जी को मैं हस्तांतरित करता हूँ। श्रीमान रवि कुमार जी संघ के प्रचारक हैं, हरियाणा प्रांत जहाँ बैठे हुए हैं उस प्रांत के विद्या भारती के संगठन मंत्री हैं, लिखने पढ़ने का स्वभाव है और इस कारण से मूलतः प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में उन्होंने अध्ययन किया है, उसके बाद प्रचारक निकले हैं।
अब तक 5 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और इसलिए बाल केंद्रित क्रिया आधारित शिक्षा यह एक है। दूसरी पुस्तक इस पैकेट के अंदर है, उसका शीर्षक पुनः थोड़ा अलग है, काव्य गीत बावली। यह पुस्तक अपने विद्यालयों में चलने वाले वार्षिक गीतों का संकलन होता है कि हम गीत पढ़ते हैं, बच्चों को दोहराते हैं, याद हो जाते हैं, बाद में हमको भूल जाते हैं। ऐसे इन गीतों का, इसमें हिंदी गीत है, संस्कृत गीत है, राजस्थानी और हरियाणवी भाषा की कुछ गीत, एक विशेष संयोग ऐसा बना कि इनका जब संकलन 2011-12 से लेकर और अभी तक के सभी गीतों का इसमें संकलन किया। इनकी कुल संख्या 52 है। हिंदी साहित्य के एक बड़े वरिष्ठ कवि भूषण कवि, जिन्होंने शिवाजी महाराज की प्रशंसा में जो छंद लिखे, उनकी संख्या 52 थी और उसको इसलिए शिवा बावली कहा जाता है। ये 52 गीतों का संग्रह है और इसलिए उसका नाम भी काव्य गीत बावली ऐसा रखा है। 52 कविताएं हैं, हम लोग उनको अपने आनंद के लिए दोहरा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, अपने कार्यक्रमों में उनका उपयोग कर सकते हैं। कई बार गीतों का संकलन, विशेष बात यह है ये गीत पहले से प्रकाशित गीत राष्ट्रबंधन अथवा इस प्रकार की पुस्तकें हैं उनमें गीतों का संकलन नहीं है, सभी नए गीत हैं और उनका संकलन दिलीप कुमार जी ने किया है। मैं उनके इस लेखन क्षमता को भी नमस्कार करता हूँ और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आगे भी उनके प्रकार के संकलन लेखन यह हमको मिला रहेगा। शिक्षा के थोड़े अलग क्षेत्र की ओर चर्चा करें। भारत में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी पुरानी इतिहास की परंपरा है। वैदिक गणित यह भी भारतीय गणित का वैदिक स्वरूप ऐसा है। आज गणित का हम अध्ययन अध्यापन करते हैं, वही गणित कैसे वेदों में दिए गए सूत्रों के माध्यम से भी सरल प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, इसको लेकर वैदिक गणित की एक पुस्तक का भी लेखन हुआ है। विशेष बात यह है, हम लोगों को, मेरे तो गणित के जमाने का भी था, सब लोगों को भी ध्यान में होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती है। ये जो जीरो है, शून्य, शून्य की संकल्पना भारत ने दुनिया को दी और इसलिए यह शून्य ही पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, इस शीर्षक से पूरे श्लोक हम लोगों को मालूम है यह पूर्ण है और उस पूर्ण में से यदि पूर्ण को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। ऐसी संकल्पना के साथ इस पुस्तक को लाए हैं हमारे बीच में विद्या भारती के वैदिक गणित विषय के अखिल भारतीय संयोजक श्रीमान देवेंद्र राव देशमुख जी। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, देवेंद्र जी मंच पर पधारे और अपनी इस पुस्तक पूर्णस्य पूर्णम आदाय, इसको, इसका एक विशेष संयोग भी है। वैदिक गणित के सूत्र स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, जो पुरी पीठ के 143वें परम श्रद्धेय शंकराचार्य थे, उन्होंने ये 16 सूत्रों उसी पुरी पीठ में 1977 में विद्या भारती की अखिल भारतीय गोष्ठी भी, वर्तमान जो शंकराचार्य हैं उस परंपरा में 145वें शंकराचार्य स्वामी निर्मलानंद जी, उनके स्वामी निश्चलानंद जी, उनके मार्गदर्शन में, संरक्षण में ये गोष्ठी हुई, उसके भी 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यानी एक प्रकार से विद्या भारती ने ये वैदिक गणित के समावेश हुए पाठ्यक्रम में ये रजत जयंती वर्ष है। श्रीमान देवेंद्र देशमुख जी से निवेदन है, तो उन्होंने इस पुस्तक को संयोजित किया है, संपादित किया है, अनेक तथ्यपूर्ण बातें हमारे सामने रखी हैं। शून्य के गुणधर्म क्या है, शून्य संकेत चिन्ह के रूप में उसके क्या प्राचीन अपने को प्रमाण दिखाई देते हैं, शून्य का आविष्कार कैसे हुआ, यह सारी बातों की चर्चा इस पुस्तक में की है। मैं देवेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारेंगे। मंच से निवेदन है कि पूर्णस्य पूर्णम आदाय नाम की पुस्तक का विमोचन करें। आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नॉलेज ऑफ इंडिया की चर्चा हो रही हो,
उस समय वैदिक गणित के इस इतिहास, वैदिक गणित की इस मान्यताओं, इन सब की चर्चा करना ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इसलिए इस शून्य का यह जो भारत का अवदान विश्व के गणित को है, इसकी चर्चा करने वाली इस पुस्तक का हम यहाँ पर विमोचन कर रहे हैं। मैं मुझसे निवेदन करूंगा कि श्रीमान देवेंद्र जी का सम्मान करें। देवेंद्र देशमुख जी मूलतः सिवनी राजस्थान के मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। केंद्र रायपुर देवेंद्र जी मूल लेखन से अब थोड़ा अनुवाद भी हो गया। आगे दो पुस्तकें अनुवाद असमिया असमिया संस्कृति वाले हम सब लोगों को ध्यान में है। आपको अभिनंदन। श्रद्धेय जयराम जी तोमर ने भारतीय शिक्षा के मूल तत्व यह पुस्तक लिखी है। 1982 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था, बाद में संशोधन परिवर्तन के साथ 2015 में इसका पुनर्प्रकाशन। हम सब लोगों ने कभी न कभी इस पुस्तक को पढ़ा है, देखा है, इसकी चर्चा की है, इसके बहुत सारे तत्व हमारे भी ध्यान में। यह पुस्तक सबके लिए बहुत उपयोगी थी, परंतु हमारे महाराष्ट्र प्रांत के कार्यकर्ताओं का विचार था कि इस पुस्तक का मराठी भाषा में अनुवाद होना चाहिए। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व यह पुस्तक भारतीय शिक्षणाची मूल तत्व इस शीर्षक से प्रकाशित हो रही है, परंतु इसमें आनंद के साथ साथ एक दुखद प्रसंग भी है। रवि माधव नरहर कुलकर्णी जी, जिन्होंने बहुत परिश्रम पूर्वक हिंदी से, वे मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन शिक्षा क्षेत्र के प्रति रुचि होने के कारण उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया, परंतु विगत वर्ष उनका शरीर शांत हो गया और उनके जीवन काल में इस पुस्तक का प्रकाशन नहीं होता। बाद में उनकी सहधर्मिणी बहन मीराबाई कुलकर्णी ने उस पर पांडुलिपि हमारे कुंकण प्रांत के कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई। कुंकण प्रांत से पधारे हुए प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रदीप पराड़कर जी से मेरे प्रार्थना है कि वे मंच पर आए और इस अनुवाद पुस्तक को यहाँ उसका विमोचन कराएं। यह पुस्तक मराठी भाषा में अनुवादित हुई है। उपेंद्र पराड़कर जी, हमारे प्रांत के मंत्री संतोष जी भंगे, इन दोनों लोगों ने प्रयास किया है और उसके बाद ये पुस्तक प्रकाशित किया है। मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय पराड़कर जी इस पुस्तक का विमोचन कराएं। एक विशेष संयोग भी है। हाँ, आदरणीय पराड़कर जी ने कहा यह महाराष्ट्र की राज्य भाषा दिवस में, मराठी राज्य भाषा दिवस में आज, और इसलिए बहुत विशेष संयोग है उनका उत्तर प्रारंभ मराठी अनुवाद को घोषित कर रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे जयराम जी इस पुस्तक का एक वाक्य इस पर आता है, भारत में शिक्षा को जीवन विकास का पर्याय माना गया है, ज्ञान की साधना से चेतना का विकास ही शिक्षा है, ऐसा एक वाक्य मुझे ध्यान में आता है। उसको इस पुस्तक में भी मराठी अनुवाद में भी हाईलाइट किया गया है। मुझे लगता है ज्ञान की चेतना का विकास विविध भाषाओं में भी निरंतर होता रहे, ऐसा ये प्रयोग ये प्रयास करता रहे भारतीय शिक्षा दर्शन। भारतीय शिक्षा दर्शन, भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित जीवन व्यवहार में कैसे सिद्धांत आए। प्रसाद जी भी साथ में आए हैं ना, प्रसाद जी भी मुझे पता है, प्रसाद जी कुंकण का प्रांत के हमारे कार्यकर्ता हैं और मुझसे निवेदन है कि यहाँ आए
स्मृति चिंतन हम उन्हीं की स्मृति में दे रहे हैं जिन्होंने इसका अनुवाद श्रम पूर्वक किया था, परंतु अपने जीवन काल में लोग तो नहीं प्रकाशित होता देख सके। ऐसे माधव रथ कुलकर्णी जी को हम ये स्मृति चिंतन भेंट कर रहे हैं। मैं आदरणीय बुद्धि प्रभाव से भारत जी से निवेदन करूंगा कि उनके परिवार तक उनकी धर्मपत्नी वीरा देवी कुलकर्णी जी को दूसरी अनुवाद पुस्तक है। हम सब लोग उस पुस्तक के हिंदी हिंदी जो उसका स्वरूप था उसके विमोचन के कार्यक्रम से बच्चे अपने बीच में श्रीमान दिलीप गेट की कर दिया, जो लोग पढ़ते थे देहाती के देहाती अध्यक्ष हैं उनकी यह मूल पुस्तक मराठी में लिखी गई थी हनीपुत्र शारदे चे, हिंदी अनुवाद हुआ हम सरस्वती पुत्र। इस नाम से पुस्तक दो वर्ष पहले प्रकाशित हुई। अपने बीच में हमारे दक्षिण मध्य क्षेत्र के संस्कृत दूत परियोजना के संयोजक और सेवानिवृत्त प्राचार्य ऐसे आदरणीय डॉक्टर सीताराम मूर्ति जी, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सीताराम मूर्ति जी जिन्होंने अत्यंत परिश्रम पूर्वक इस हम सरस्वती पुत्र पुस्तक का अनुवाद मराठी में मनमु सरस्वती पुत्र लघु तेलुगु में इसका अनुवाद किया है। मैं आदरणीय सीताराम मूर्ति जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और आदरणीय दिलीप बेटकर जी से भी निवेदन करूंगा, वे मूल लेखक हैं, वे भी इस अवसर पर यदि मंच पर पधारेंगे तो हम सबको आनंद होगा। मुझसे निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक हम सरस्वती पुत्र इसका यह विमोचन इसका अनुवाद का सारा परिश्रम किसी का मूर्ति जी का है। अनुवादक का सम्मान तक दोनों का सम्मान होगा। इस विमोचन के क्रम में आज की अंतिम पुस्तक के लिए देव नदी पर पुस्तक का यह विमोचन और हो रहा है। हमारे बीच में उपस्थित हैं बाल साहित्य और विभिन्न प्रकार के साहित्यों के प्रसिद्ध नाम जैसे डॉक्टर अंजलि शुक्ला जी, यही पानीपत में निवास करती हैं और उनकी यह पुस्तक यह भारत में जल संरक्षण यह कोई विचार का विषय नहीं है, जीवन व्यवहार का विषय रहा है। इस भाव को केंद्रित करते हुए मैं धर्मेंद्री जी से निवेदन करूंगा और आदरणीय मंच से निवेदन करता पानीपत में निवास करती हैं, मूलतः लखनऊ से हैं, अंग्रेजी भाषा पढ़ती पढ़ाती हैं, हिंदी में लिखती हैं। पानीपत पर रहती इसलिए पानी पर ही लिखती हूं।
मैं आदरणीय मंच पर विराजमान सभी अधिकारियों का और इनकी प्रतिमा का विमोचन हुआ सभी को धन्यवाद और सभी को मेरा कर्तव्य का जो अंश था जो पूर्ण हुआ तो विमोचन का विमोचन कैसे हुआ। ये सभी पुस्तकें पहाड़ों पर उपलब्ध होंगी, आप लोग कहते हुए देख सकते हैं। अभी कुल मिलाकर इस पुस्तकों का विमोचन अब तक हुआ है और उन लिखने वाले लोगों की साधना उनके साथ रही है और ऐसे सम्मानित लेखकों का परिचय और उन सभी पुस्तकों के अंदर जो भाव उन्होंने उचित किए हैं उनको इस प्रकार से व्यक्त सबके सामने किया गया है। तो जिन्होंने ये इतना परिश्रम और उत्साह किया है हमसे उनका भी सम्मान तो बनता ही है, इसलिए मैं श्रीमान यशपाल जी से अनुरोध करता हूँ कृपया आए और माननीय कमी जी का सरप्राइज होते हैं। ये तो पारिश्रमिक और क्योंकि सभी सम्मानित लेखकों को सत्रम पुष्पम की व्यवस्था थी तो एक पुस्तक ऐसी आई है कुंठरी का लोटा, तो उस लेखक के निमित्त एक जो जो पुष्पम रह गया है वो पत्रम पुष्पम के प्रभाव में है। पत्रम पुष्पम और उनका प्रतीक चिन्ह भी है जो उनके नाम से ही तैयार किया गया है, तो वो डॉक्टर कृष्ण हरि गोस्वामी जी जो हमारे समय की सीमा थी, आप सबकी व्यस्तता थी, उस सबको देखते हुए प्रयास किया गया है कि कार्यक्रम को एक कम से कम एक न्यूनतम सीमा के अंदर उसको पूरा किया जाए। परंतु आज हमारे पास जिस प्रकार की महान विभूतियां उपस्थित हैं उनका उद्बोधन भी उनका मार्गदर्शन भी आवश्यक है। मैं आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य वक्ता डॉक्टर जी सरकार्यवाह राष्ट्रीय से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कृपया आज का उद्बोधन दे। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशिका डॉक्टर विनय शर्मा जी, एनबीटी के अभी तक चेयरमैन रहे डॉक्टर गोविंद जी, डॉक्टर सोनम विहार जी गोस्वामी, श्रीमान रामकृष्ण राव, श्रीमान अवनीश जी भटनागर और सभागार में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, आदरणीय बहनों तथा इतने पुस्तकों का विमोचन हमने पिछले देखा है कभी? तो कहे पहले तो कहे 18 है, फिर 19, 20, 21, 26 हो गई है, कोई लाइब्रेरी है आज तो फिर भी तो, लेकिन जो लेखक है उनको बोलने का अवसर मिल
जो हर पुस्तक का जो विमोचन होता है तो दो चार पांच मिनट लेखक भी तो बोलता है, तो लेकर अगर 18-19 लेकर बोलेंगे तो श्रोताओं का क्या हाल बनेगा। लेकिन आज के इस युग में, इस वर्तमान समय में, जब किसी को पुस्तक पढ़ने का समय नहीं मिल रहा तब इतनी पुस्तकों का विमोचन हो रहा है, एक बड़ा एक भारी प्रश्न हमारे मन में उठता है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एक और तो बच्चों को समय नहीं, नौजवानों को समय नहीं, माता पिता को भी समय नहीं, ये बात सच है। तो ऐसे इन पुस्तकों के बारे में क्या धारणा लोगों की है, तो आवश्यकता क्या है। तो एक सिविलाइजेशन का एक संघर्ष तो चलता है सारी दुनिया में। सिविलाइजेशन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है विज्ञान। विज्ञान आगे बढ़ता है तो आविष्कार करता है, आविष्कार नई टेक्नोलॉजी ले आता है, टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री दे देती है, इंडस्ट्री नए सामान बनाती है, सामान को व्यापारी पकड़ता है, मार्केट में बेचता है, टीवी और समाचार पत्र विज्ञापन करते हैं, मार्केट चलता है। ये सिविलाइजेशन का सेंट्रल पॉइंट है। सिविलाइजेशन इसके चारों घूमती है, चाहे नए प्रकार का मकान हो, चाहे नए प्रकार के कपड़े हो, नए प्रकार के रसोई के सामान हो, खाने के सामान हो, गाड़ियों के मॉडल हो, पढ़ाई एक सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो आईपैड लाए के, वो व्हाइट बोर्ड लाए के, प्रोजेक्टर लाए के, कैसे घर बैठे ही पढ़ा रहे, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है। और इसने मस्तिष्क के लिए बहुत बड़ी तैयारी दुनिया कर रही है, मस्तिष्क में क्या नए नए बात डाल दी जाए, नई नई जानकारियां भी आए, नई जानकारियों से और कैसे पैसा कमाया जा सकता है। सारी जानकारियों में से 99% जानकारी जो दी जा रही है उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। तो जी तकनीक अपनाई जाए, MBA पढ़ता है, लगा क्या करूं, कैसे करूं, क्या कैसे बड़ी सैलरी कहाँ मिलेगी, जिस कंपनी में जाता है वो भी यही करती है कंपनी, कैसे घर सेल कराओ, ये बना वो बना, कुल मिलाकर के सारी दुनिया की दौड़ इस बात है कैसे पैसा पैदा किया जाए। हर आदमी के पास एक नई नई चाबी आ रही है, हर चाबी से नए नए सामान खोल रहा है, एक चाबी खोल ताला खोलता है नई गाड़ी निकलती है, अगला ताला खोलता है नए कपड़े निकलते हैं, अगला ताला खोलता है नया अपार्टमेंट निकलता है, अगला ताला खुलता है नया फर्नीचर आता है, अगला ताला खुलता है नया कालीन आता है, ताले पर ताले खुलते जा रहा है, बहुत चाबियों का गुच्छा भरता चला जा रहा है। और आज बहुत सारे ताले और तालियों का मालिक बनता जा रहा है। जैसे पहले घरों में महिलाएं होती थी, कोई बुजुर्ग महिला है घर में, जो सास होते थे उसके कमर में गुच्छा लटका रहता था, 10-12-15 चाबियां, भले ही ताला कहीं ना हो, पैसा कहीं ना हो, गुच्छा उसकी प्रतिष्ठा बनता रहा, ये बहू को आसानी से देती नहीं। ये गुच्छा ट्रांसफर होना ये अथॉरिटी का ट्रांसफर था। आज हर आदमी दुनिया में चाबी पर चाबी बढ़ाकर चला जा रहा है गुच्छे में, क्योंकि शांति नहीं है। तो अभी जो हमको ये मिला है, ये जो पुरस्कार है, ये जो मिला है इस पर एक श्लोक लिखा है, विष्णु पुराण का श्लोक है, वो लिखता है, आया साया परम कर्म विद्यान्य शिल्प नहीं पूरा। जितनी भी विद्या प्राप्त हो रही है, जितनी भी जानकारियां प्राप्त हो रही है, जितनी भी शिक्षा प्राप्त हो रही है, वो कहता है ये केवल शिल्प की निपुणता है बस, नॉट मोर देन दैट। वो CA बन गया तो क्या हुआ है, एक और स्किल आ गई। अच्छा सर्जन बन गया, क्या हो गया, एक नई स्किल आ गई। एक नया इंजीनियर बन गया, एक नई स्किल और पा ली, नई नई जानकारी पाता, एक नया स्किल पाता है। विष्णु पुराण का वो लेखक तब लिख रहा है, आया साया परम कर्म विद्या न, विद्या नहीं है ये, शिल्प नहीं पूर्ण, ये स्किल डेवलपमेंट है, नथिंग मोर देन दैट।
चाबी बढ़ रही है, मुक्ति नहीं मिली। तो ऊपर कैसे लिख रहा है वो साविद्या या विमुक्त है। ये शिल्प जो है आदमी को बांधता है, विद्या जो है वो मुक्त कराती है। जो बंधन से मुक्त करा दे वो विद्या, और जो बंधन में बांध दे वो शिल्प। जो पुस्तक है जो है ये बंधन से मुक्त करने वाली है। एक दो पुस्तक जरूर ऐसी है जो कक्षा के संबंधित है, बाकी सारी पुस्तकें जो है जो मनुष्य की गहराई को बढ़ाती है। मनुष्य के दो मौलिक अंग है, एक मस्तिष्क है और एक हृदय की गहराई है। मस्तिष्क जो है ये इंफॉर्मेशन लेता है, हृदय की गहराई जीवन के व्यक्तित्व को बढ़ाती है, मनुष्य को मनुष्यत्व की ओर तो ले जाती है। हृदय की गहराई है, मनुष्य की क्षमताओं का विकास करता है। ये शिल्प है, इंफॉर्मेशन है, स्किल है। आइंस्टीन कहता है कि साइंस कैन एनरिच द यूरेनियम, बट वेदर साइंस कैन एनरिच द हर्ट ऑफ मैन। क्या साइंस मनुष्य के हृदय को अच्छा कर सकता, मनुष्य के हृदय का शोधन कर सकता? नहीं कर सकता। आइंस्टीन परेशान है। ये यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम इनको एनरिच कर सकता है, शोधन कर सकता है। एक गेंद के बराबर यूरेनियम से बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन साइंस मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं ला सकता, साइंस मनुष्य के अंदर करुणा नहीं ला सकता, प्रेम दया ये नहीं ला सकता, सहकार और सहयोग, विनम्रता और श्रद्धा, निष्ठा और त्याग ये नहीं ला सकता। ये मनुष्य के अंदर की वर्च्यूज है, मनुष्य के अंदर की गहराई है, हृदय के अंदर की भावना है, जिसे मनुष्यत्व आता है, इससे मुक्ति मिलती है, इसे बंधन से छूटता है। जो जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है, बदता जाता है। जो जो विकेंद्रित होता है, खुलता है, छूटता जाता है। मुक्ति विकेंद्रित होने में है। ये मनुष्य के अंदर की हृदय की गहराइयां मनुष्य को विकेंद्रित करती है। ये ग्रंथ जो है इस विकेंद्रीकरण के सामर्थ्य है, मनुष्य के हृदय की गहराइयां बढ़ाते हैं। माँ के प्रति स्वभाव है, मित्रों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, जनता के प्रति, पूर्व में हो गए महापुरुषों के प्रति हमारा स्वभाव और व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात को मन में बैठाती है। और मेरे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, पक्की बात है। अच्छा इंजीनियर बनना, अच्छा CA बनना, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना, अच्छा मैनेजर बनना, सबको जरूरी है। अच्छा व्यापार बहुत जरूरी है, बट इज हाफ पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का आधा हिस्सा है। पर द सेकंड हाफ, दूसरा अधूरा हिस्सा कौन सा है? वो अधूरा हिस्सा ही आधार है सारे मनुष्य का, नहीं तो बाकी सब बातें शोभा है, बाकी सब बातें मकान है, भवन है, अंदर की आत्मा और मनुष्य नहीं। और इसलिए ये जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें ज्ञान देती है, ज्ञान व्यक्ति को विवेक देता है, विवेक ये बताता है क्या करनी है क्या अकरणी है, कितना करनी है कितना नहीं करना, कितना आगे बढ़ना कितना रुक जाना, बस पर्याप्त हो गया, बहुत हो गया, रुकना कहीं तो पुलिस स्टॉप लगाना। आज बड़ा संकट है दुनिया में, जैसे मैंने बताया ना कि दूसरा वाला जो पक्ष है उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे और परेशान भी हो रहे। 12 साल का बच्चा, कल मैं अखबार पढ़ रहा था समाचार, 12 साल का बालक है, उसको क्लास टीचर ने थोड़ा डांट दिया, उसे आत्महत्या कर दिया, 12 वर्ष का बालक। ये टीचर के डांटने से आत्महत्या नहीं किया है ना, बट दैट वाज द एंड पॉइंट। तो टाइट्रेशन करते हैं ना, टाइट्रेशन डालते 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 वो एकदम एक बूंद डालता है तो कलर बदल जाता है, पिंक आ जाता है। उसके पहले 400 बूंद डाला तो नहीं बदला, लेकिन 401वां ड्रॉप डालते पिंक हो गया। ये 401वां ड्रॉप था किसका डांटना,
400 तो पहले से है भरा हुआ है। उसकी माँ पिता भाई बहन मित्र जो भी है इन सब से बहुत दूर जा चुका है वो, उसका कोई अपना है ही नहीं। ये बताने के लिए भी नहीं है, आज मेरी टीचर ने मेरे को डांट दिया, ये बताने के लिए भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी कोई नहीं है। ये एकाकीपन है जो वर्तमान के सिविलाइजेशन ने हमको दिया है बंधु, गंभीर संकट है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि हमारी अच्छा साहित्य पढ़ने की रुचि कम हो रही है, घर की लाइब्रेरी कम हो रही है, घर में ग्रंथालय नहीं बनाते लोग। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनके घर में जाइए ना, बड़ा ड्रॉइंग रूम है, ड्राइंग रूम है, बड़ा शेल्फ है। पहले हम जाते थे आज से 25-30-40-50 साल पहले, उसमें अच्छे ग्रंथ रहते थे। कोई कालिदास का ग्रंथ है, कोई निराला की कविता छपी है, कोई सूर की पदावली मिल गई, कोई मीरा की पदावली मिल गई, कोई महादेवी वर्मा की पुस्तक है। ऐसी भिन्न भिन्न पुस्तकों को लोग लाते थे, घर में रखते थे, पढ़ते थे। अब साहित्यकारों के नाम बताओ तो नाम ही नहीं मालूम उनको। महादेवी वर्मा कौन है आज के नई पीढ़ी नहीं जानती, रामचंद्र शुक्ल कौन है नहीं जानते, बाबू गुलाब राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद भूल गए। ये सब जो लेखक थे, ये सब लेखक हृदय की गहराइयों को बढ़ाने वाला साहित्य लिखते थे, पैसा पैदा करने वाला साहित्य नहीं लिखते थे। हर कहानी के पीछे एक उद्देश्य होता था। प्रेमचंद फकीरी में जीते थे, फकीरी में जीते थे, कहानी ऐसी लिखते थे जिससे समाज को दिशा मिल जाए। हमको आज भी याद है पंच परमेश्वर कहानी लिखता है, न्याय करना चाहिए, मित्र भी है तो उसका समर्थन नहीं करना। वो पंच परमेश्वर कहानी बताती है, ईद कहानी बताती है, माँ का हाथ जलता है रोटी सेकते में तो लगता है चिमटा खरीद करके लाता है, मिठाई नहीं खाता। ये कहानी, ये नाटक, ये गीत, ये कविताएं या लेख मनुष्य के अंतर्मन की गहराइयों को बढ़ाने के लिए होते थे। वो साहित्य गायब हो गया, उस सेल्फ में क्रोकरी भर दिया घर की महिलाओं ने लाकर। क्यों? पुरुष पिता पढ़ते ही महिलाओं को मौका मिल गया तो सारा कप प्लेट क्रोकरी ला करके उस बाहर वाले अलमारी को सजा देती है। ये बाहर वाले लोगों को आपके घर में कितना क्रोकरी कितना बर्तन है क्या लेना देना है, क्योंकि बात समझ में नहीं आती न पुरुषों को न महिलाओं को। पहली आवश्यकता यहाँ बैठे सब लोग तय करें कि अपने अपने घर में एक अच्छा ग्रंथालय रखिए, पढ़िए चाहे मत पढ़िए, पुस्तक लाइए। बड़ा संकट प्रकाशक का भी है, वो छाप पाए बिकती नहीं, प्रकाशन बंद हो गए, चंदा मामा बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, खरीदते नहीं लोग, चंदन बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, दिनमान बंद हो गया, माधुरी बंद हो गई, नवनीत बंद हो रहा है, कादम्बरी बंद हो रही है लगभग, कल्याण भी मुश्किल से बिकती है। घर में अच्छा साहित्य नहीं आता, और इसलिए जो जानते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, जिनको भविष्य का अंधेरा दिखता है, वर्तमान का संकट दिखता है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। जिनको नहीं दिखता उनको छोड़ दीजिए, जिनको दिखता है वर्तमान की सभ्यता कैसा काली आंधी लेकर के आ रही है, उनसे प्रार्थना है घर में ग्रंथालय बनाए। अपने समय का 5-10% समय ग्रंथ पढ़ने में लगाए, पढ़े वाल्मीकि रामायण को फुर्सत में आकर के, पढ़े इतने सारे साहित्य को जो है हमारे पास मौजूद है देश में भी, बच्चों को पढ़ने के लिए आग्रह करें, कविता याद करें, बच्चों को सुनाए। कवि दोहे याद थे आज भी याद है, बिहारी के दोहे आज भी याद है, मीरा के भजन आज भी याद है, दूर के पद गुनगुनाते हैं। लेकिन पिछले 200 वर्षों में जो लोग हो गए उनकी कविता भूल गए या पढ़ते ही नहीं। तो साहित्य सारे समाज के मानस को बदलता है, सारे समाज के अंदर के भावों को बदलता है, एक शेप देता है, और इसमें साहित्यकार की भूमिका परमात्मा जैसी होती है, एक माँ जैसी होती है, शिक्षक जैसी होती है। और इसमें इस 19-20 पुस्तकों का जो विमोचन हुआ है वो एक संदेश है और संकेत है, हम सबके घर में एक अच्छा ग्रंथालय बने। 1,000-2,000-4,000 किताबें लगाइए, अपनी आमदनी का 2-4-5% उसमें खर्च करिए, लाइए पढ़िए, बच्चों को परिवारजनों को पढ़ाइए, मित्रों को पढ़ाइए। मैं समझता हूँ आज के इस ग्रंथ विमोचन के कार्यक्रम का यही मौलिक उद्देश्य है। आपने धैर्य पूर्वक इतना बड़ा विमोचन देखा, इसके लिए आपको साधुवाद।
नमस्कार। आज के कार्यक्रम की समापनीय अध्यक्ष डॉ. वीना शर्मा जी से अनुरोध है कि अध्यक्षीय संबोधन प्रदान करें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निधिघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। सामान्य मंच अशुद्धि और विज्ञ श्रोताओं, कहते हैं कि जहां आपका मिलना यदि संत से हो जाए तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और आज का मंच संत समागम का मंच है जिनके लिए कहा जाता है बड़े भाग तक जानिए जब मिलने आवे संत और संतन को मिलनो करे सब दुखन को अंत। मुझे माननीय कृष्ण गोपाल जी के सानिध्य में बैठने का मौका मिला और मुझे लग रहा था कि आज पारस मणि का स्पर्श मुझे मिल गया है और शायद कुछ कुछ बातें हम भी उनसे सीख सकते हैं। इतनी सारी पुस्तकों के विमोचन के बाद एक प्रश्न तो हम सबके मन में उठ रहा है, क्या यही शिक्षा थी जिसके लिए कहा गया था माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, और जिसको सुनकर हर माता पिता ने अपने अपने बाल्य को शिशु को विद्यालय भेज दिया, गुरु जी के हाथों सौंप दिया कि लो इस मिट्टी के लौंदे को एक मानव बना दो। लेकिन हम गुरुओं ने उसमें क्या, हमने उन्हें कौन सी विद्या दी? यदि हमने वाकई में उन्हें विद्यावान बनाया था, विद्वान बनाया था, तो हमने तो सुना था स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्या विनयम ददाति विनया त्याति पात्रत्वम पात्रत्वम धनम आपनोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। हम तो धर्म की बातें भूल गए, हम तो धर्म के वे 10 लक्षण भी भूल गए जिनके लिए बार बार कहा जाता था धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम ये निग्रया भी विद्या सत्यम अक्रोध दशम तमो लक्षण। तो आखिर हम आज कैसी शिक्षा दे रहे थे? हमें तो पढ़ाया गया था प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, सूरज हमें रोशनी देता। तो क्या ये सब बातें पढ़ने भर के लिए थी, डिग्री के लिए थी, उपाधि लेने के लिए थी? और यदि जब उसके लिए थी तो आज हम फिर मानव में मानवी तक क्यों खो? हमें उस भारत का इतिहास पढ़ाया गया था जिसके लिए कहा गया था भूलोक का गौरव प्रकृति का वह पुण्य लोचन स्थल कहाँ फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ सब और देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उस काल की जो ऋषि भूमि है वह पुण्य भारतवर्ष। और भारत किसी भौगोलिक सीमा में बना हुआ नहीं था, पर सांस्कृतिक चेतना का विकास था जिसके लिए फिर कह दिया गया था भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है किसी देश का नहीं शीली है भूमंडल भर का है जहां कहीं एकता अखंडित जहां प्रेम का स्वर है देश देश में वही खड़ा जीवित भारत भास्वर है। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं तुझको या तेरे नगीश दिव्य को?
बहुत चिंता होती है, बहुत दुख होता है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या देकर जाए। अभी जब माननीय कह रहे थे कि घरों में पुस्तकालय ग्रंथालय की बात, मुझे कहते हुए लाज तो आती है, पर सच ये है कि घरों के जो बड़े पुस्तकालय हैं, उन जाने के बाद बच्चे उसे कबाड़ देते लेकर पुस्तकें आते हैं संस्थान में और कहते हैं मैडम आप पुस्तकों को यहाँ रख लीजिए, घरों में तो बच्चों को लगता है पुस्तकों की क्या जरूरत है, मोबाइल में सब कुछ तो रहता है, मोबाइल में छोटी सी मेमोरी में सब कुछ है, तो हमें पढ़ने पढ़ाने की जरूरत क्या है। मित्रों जब तक हम किसी वस्तु का अर्थ महत्व नहीं समझते तब तक हम उसमें अपने को लिप्त भी नहीं करते। अंग वस्त्र और नारियल प्रतीक थे ही, लेकिन जब आज ये पगड़ी बांधी गई तो इस पगड़ी से जुड़े तीन संघर मुझे याद आए। ये वही पगड़ी है जिसे एक पिता अपनी कन्या को जब वर को देता है तो उसके पैरों में देता है कि मेरी लाश तुम्हारे हाथ। ये वही पगड़ी है जब एक वर किसी को ब्याहने जाता है तो बड़ी शान से उसको प्रणाम करता है, और यह वही पगड़ी है जब घर का मुखिया जाता है तो उसके बाद उसके पुत्र या किसी अन्य को बांधी जाती है। तो इस पगड़ी का बांधना छोटी बात नहीं है, लेकिन हम इस पगड़ी का कितना सम्मान रख पाएंगे, जो मान हमें दिया गया उस पगड़ी के एक एक सूत की इज्जत आज हमें बचा। जिसे मुझे याद आती है एक गुण कविता अक्सर उसका जिक्र करती हूँ, आखिर हमारे बच्चे कंफर्ट जोन से बाहर कब आएंगे, वह भूत जो बादलों की गोद में है, निकलते समय बहुत डरती है, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर फिर यही मन में लगी, आह घर छोड़ कर नहीं टूकर, देख मेरे भाग्य में ये क्या बदा, मैं बचूंगी या गिरूंगी भूल में, गिर पड़ूंगी जल अंगारे किसी या मिलूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, तो समंदर ओढ़ आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मोठा खुला, वह उसी में जा गिरी मोती मनी, लौट यूं ही है झिझकते सोचते, जब उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बोलो कुछ और नहीं होता है। कब हम कंफर्ट जोन से निकल कर उस समाज के मध्य में, कब हम अपनी शिक्षा को बोलना शुरू कर दिया। विचार का होना और विचार का कार्यान्वयन दो अलग अलग चीजें, हम सुनते बहुत हैं, हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन वह पढ़ाई केवल और केवल पास होने के लिए, और उससे भी आगे बढ़ो तो अर्थ करी विद्या की ओर हम सब बढ़ रहे थे, जबकि जब धर्म अर्थ का मोक्ष की बात नहीं गई थी तो अर्थ केवल एक एक छोटा सा हिस्सा था उच्चार का, उसके लिए भी कुछ समय निर्धारित था। मैं अपने बहनों से बार बार एक प्रश्न करती हूँ, आखिर आपको कौन सी स्वतंत्रता चाहिए जिसके लिए आप बार बार भागती हैं? आप में स्वयं दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी का वास है, जो साल में तीन त्योहार मनाते हैं, वो शक्ति यदि आप में है तो और किस शक्ति के लिए आप भारत अर्ध नारीश्वर की कल्पना का देश है, और स्त्री पुरुष दोनों के समभाव से गृहस्थी चलती है, बिन घरनी घर भूत का डेरा जहां कहा जाता हो, तो सिखाया जाता है। अभी जब आत्महत्या के प्रसंग की बात जब आई, क्योंकि हम भूल गए जब हमें पढ़ाया गया था नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो,
इस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख दोगे नहीं, कुछ तो उपयुक्त करो धन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। काम करना तो हम भूल गए, काम तो सब पैसे से हो जाते हैं, काम तो मोबाइल से हो जाते हैं, हमें तो कुछ करने की हर जरूरत है। हमें सिखाया गया था छोटी ना हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय और राममय और कृष्णमय और देवमय। ये राम कृष्ण की परंपरा का देश है, ये वह देश है जहाँ बच्चे बच्चे के जुबान पर राम और कृष्ण के चरित्र रहते हैं। हम आशीर्वाद अपने बालकों को राम और कृष्ण जैसा बनने का देते हैं। बालिका है तो उसे माँ जीजा वाली लक्ष्मी वाली। सीता सावित्री की बात करते हैं, वह सावित्री जो अपने पति को अपने पति प्रतिबल से यमराज के चंबल से भी छोड़ा था। पता नहीं कितना लिखा जाता है क्योंकि एक रचना का जब लिखता है तो वह दुख में भटकता नहीं है, सुख में फूलता नहीं है, अपनी सारी अनुभूतियों का संग्रह करता है और उसे एक रचना का रूप देता है। वह आत्मकोश के लिए नहीं लिखता, उसके मस्तिष्क में कहीं एक चिंता रहती है कि मैं जिस समाज के मध्य रहता हूँ उस समाज के प्रति मेरा दायित्व है। उस दायित्व बोध को ध्यान में रखते हुए यदि कुछ लिखा जाता है तो मुझे लगता है उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उसे केवल पुस्तक यदि आपके हाथ में आए भले ही आप एक रीडिंग लगाए, आप पन्ने ही पढ़ते हैं और जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी भी आपको देखते पढ़ते देखते हुए कहीं ना कहीं उसके लिए प्रेरित होगी। किताबें अलमारी में सजाने की वस्तु नहीं है। सच है कि जो कोना पहले पुस्तकों से भरा रहता था वह आज आधुनिक संसाधनों और उपहारों से भर गया है, लेकिन इसमें हमें खुश होने की बात नहीं। हमारी भौतिक प्रगति भले ही कितनी भी हुई हो लेकिन हम अध्यात्म की दृष्टि से कहीं बहुत पीछे। हमें स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए, हम किसके लिए जी रहे हैं? मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मन, क्या सारा परोपकार सारी कर्तव्य भावना हमें तिरोहित हो गई है? एक पुत्र जब अपने पिता से बदतमीजी करता है तो प्रश्न बार बार उठता है, ऐसी ही पीढ़ी को हम पोस रहे हैं क्या? हमारे बच्चों में उतना साहस या दुस्साहस कहां से आया? जिस काम से डरना चाहिए उससे नहीं डरते क्योंकि उसने सुदर्शन की हार की जीत कहानी नहीं पढ़ी। जो हार कर भी जीत जाते हैं आज सब जीतने के मूड में है, हारना कोई नहीं चाहता। कभी सिखाया ही नहीं गया कि बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीवन में कई बार ठोकर लगती है, कई बार हम गिरते हैं लेकिन उस ठोकर को खाकर हम चुप होकर नहीं बैठ जाते, सबक लेकर आते। आज इतनी पुस्तकों का विमोचन कितने प्रेरक उद्बोधन सुनकर मन बहुत प्रसन्न है और सच रास्ते की यात्रा की सारी थकान मिट गई है। बस मेरा केवल एक ही वाक्य है कि हम सभी सद कार्यों में शुभ कार्यों में अपने को व्यस्त रखते हुए सदैव मस्त रहें। मुझे यहाँ बुलाने के लिए संयोजक का अंजित मंडल का बहुत बहुत आभार, सबको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज दिन लेखकों की पुस्तकों का प्रकाशन और विमोचन हुआ है, उनको प्रकाशन विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई और ये लेखन अनवरत करता है उसके लिए शुभकामनाएं। आज के इस समारोह में कार्यक्रम में हमारे शहर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित हैं। कार्यक्रम की
सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं सबका परिचय नहीं करा पा रहा हूँ। आज का कार्यक्रम समापन की ओर है। आभार अनुमति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जिहानी गोस्वामी जी को। और आज का कार्यक्रम उनके सहयोग से सफल हुआ है, उन सबका आभार प्रकट करने की कृपा करें। केंद्रीय हिंदी संस्थान निदेशिका पार्टी कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती शर्मा जी, मेरे अध्यक्ष जिनका साथ निरंतर मुझे प्रिय लगता है, ऐसे डॉक्टर गोविंद प्रताप शर्मा जी, हमारी मातृ संस्था विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष मान्यवर रामकृष्ण राव जी, और ये कहूं कि मेरे अनुज अवनीश पुरस्कार प्राप्त हुए हमारे विद्योजन सभी बंधु गए, मुझे का आभार प्रदर्शन कर प्रदर्शन करना बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। मैं वास्तव में आभारी प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। जैसा भी डॉक्टर ने कहा कि हृदय की गहराइयों से भाव निकलता है, और हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहता, कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा औपचारिक हो गया है, तो हृदय की गहराइयों से कृतज्ञ आप सबका आभार। यहाँ आपका सान्निध्य होता हमें, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, जो जो कुछ आपने कहा अपने अपने वक्तव्य में वो जीवन की बड़ी सच्चाई है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने कहा, महंगी ने कहा, गोविंद जी ने कहा, सभी ने कहा, और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता भी वही है। घर में पुस्तक है कि नहीं है, घर में पुस्तकों का संकलन संग्रह है कि नहीं है, ये एक आज की बड़ी आवश्यकता है। विचार करना चाहिए और घर में होना चाहिए। एक बात दीदी ने कही कि लोग आते हैं हमारे घर में तो जगह नहीं है, पुस्तकें ले लीजिए, तो ऐसे कुछ अनुभव मुझे भी आए, लेकिन पुस्तक लेने वाले संस्थान भी नहीं था। वो कहते ट्रक में भर करके आप ले आइए तो रखेंगे कहाँ, हम अलमारियां भी खरीद करके दे रही है, अगर इतना सब कर सकते हैं तो हम रखेंगे, नहीं तो हम ही रखने होंगे। संस्थान भी नहीं लेता है कोई, व्यक्ति भी घर में नहीं रखना चाहता, तो आके पुस्तकें जाएंगे कहाँ, और न घर की न घाट की जिसे हम कहते हैं उसे पढ़ेगा कौन। मैं जिस कॉलेज में था वहाँ लाइब्रेरी में कुछ एक ढेर रखा हुआ था हिंदी की पुस्तकों का, तो मैंने पूछा लाइब्रेरियन से कि ये आपने किस लिए रखा, परंतु ये सब बेकार है, इनको सबको फेंकना है, कबड्डी को देना है। मैंने पुस्तक उठा के देखे तो आश्चर्य होगा, वो पुस्तकें जो अब प्रकाशित नहीं होती नहीं मिलती है, रक्षा में जैसे जिक्र किया धनानंद ग्रंथावली नहीं है, नतिराम ग्रंथावली नहीं है, वाणी विकार वो खत्म हो गया, लखनऊ का वो खत्म हो गया, प्रकाशक ही नहीं है, पुस्तकें नहीं है, वो सब पता ही नहीं हमारे टीचर्स को भी कि इनको हमें रखना है कि फेंकना है। इन सबको रखना चाहिए, जिसे कहने अंदर ताले में रखना चाहिए, और उनके फोटो कॉपी जरा वो बाहर रखें, उतनी समझ में शायद अब हमारे आचार्य वर्ग में भी नहीं बची है, विद्यार्थी और बाकी की छोड़ दी। और इसलिए जैसा आपने कहा कि आवश्यकता और ज्यादा बढ़ती चली जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में, और ये काम शायद हमारा संस्थान विद्या भारती जो अपना संस्कृति शिक्षा संस्थान है तो कर रहा है, और जैसे कहा हमारे डॉक्टर गोविंद जी ने, इसलिए लेखकों को तो हम प्रणाम करेंगे, एक बहुत महत्व का काम ये प्रकाशन संस्थान कर रहे हैं,
सबसे पहले इस प्रकाशन संस्थान को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे मंच पर बैठे जिनका सामने मिला उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और हमारा जो लेखक वर्ग है, कैसे कैसे लिखता है बताया था अभी, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। और यहाँ जो सब आज कितने सुंदर विचार सुने सुन सके यहाँ बैठ करके, उनको सौभाग्य मिल गया, वो सब भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी इस पूरे कार्यक्रम की योजना में जो जो लगे उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ सभी को। विद्या भारती की यहाँ जो केंद्रीय गठित कर गई थी उसकी प्रभारी आई, उन सबके लिए पुस्तक प्रसादन की व्यवस्था की गई। यानी आज जो है जिन पुस्तकों का विमोचन हुआ है उनका अलग से पैकेज सभी को प्राप्त हो। इन सभी पुस्तकों के विमोचन उनका हुआ है, उनकी बिक्री की व्यवस्था बाहर विद्या भारती के प्रकाशन विभाग का साहित्य का स्टॉल लगा हुआ है, तो वहां से आप आदेश भी दे सकते हैं। आप सभी लेखकों से अनुरोध है कि शांति मंत्र के बाद यही रुक जाएंगे, एक ग्रुप फोटो मंच पर होगा और उनकी लेखकी प्रतियों का प्रत्येक मंच पर भी प्राप्त होगा। आप सबके लिए कार्यक्रम के समाप्ति के बाद बाहर भोजन की व्यवस्था की गई है, उसे ग्रहण करके ही जाएंगे। शांति मंत्र के साथ आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः।